तुमसे बना के खिलाया माशाल्लाह ऑमलेट। जी बिल्कुल, चीज़ ऑलिव्स काफ़ी कुछ था ऑमलेट में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सुभानअल्लाह द लव पीपल हैव यू नो, जो दीन का काम कर रहे हैं, इवन देखिए सेविंग द सोल इज दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग आपको दुनिया दे देना या कुछ भी दे दें तो इतना रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जब किसी की आखिरत इंसान बचाता है फिर वे रियली यू नो द फीलिंग कम्स, या सुभान अल्लाह दिस इज द पर्सन जिसने मेरी आखिरत बचाई है। उस दिन मैं जब हमारा क्लास हो रही थी ना, एक यंग से लड़का आया और उसने मुझे जोर से झप्पी डाली और ही स्टार्ट क्राइंग। मैं ऑकवर्ड हो गया, मैंने कहा यार क्या हुआ। अच्छा, और वो रो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, खैरियत? ही कुडंट स्पीक सुभानअल्लाह, और वो बोल ही नहीं सका। मैंने कहा चलो अजान अकामत होने वाली थी, तो मैंने कहा चलो नमाज के बाद मिलते हैं। तो सुभानअल्लाह प्रॉब्ली आई डोंट नो दिस पर्सन, लेकिन हो सकता है कि कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई चीज़ ने उसको एक गुनाहों से निकाल। यार इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स नेचुरल, आई वुड से इट कम्स फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला। जो मोहब्बत इसके लिए अल्लाह डालता है ना, किसी और चीज़ के लिए डेफिनेटली। सहाबा की फिर अल्लाह के नबी के लिए मोहब्बत जो होगी ना। अच्छा कल ना, बल्कि आज ही मैं अपनी छोटी बेटी को ना, उसको कमर पे खारिश हो रही थी तो मैं उसे खारिश कर रहा था, और वो मैंने जब मैंने उसको बहुत फील किया ना तो मुझे रिलैक्सेशन मिली उसको खारिश करके। ये फौरन से ना वो बकर सिद्दीक का कोट याद आया कि जब वो हिजरत कर रहे थे ना और उम्मे माबा के घर में रुके, तो बकर सिद्दीक कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पीते हुए देख के हमारे पेट भरने शुरू हो गए। अल्लाह कि आप दूध पी रहे हैं और हमारे पेट भर रहे हैं। अच्छा, औलाद के लिए या अपने ब्लड रिलेटिव्स के लिए ना इस फीलिंग को अचीव करना इट्स इजी है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के लिए अचीव करना, फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट सहाबा एंड रिलेशनशिप विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई डोंट नो व्हाट टू अचीव दैट लेवल ऑफ मोहब्बत। इसलिए तो वो हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ना इसको बड़ा वैल्यू करता है। ये भी एडिक्शन होती है मोहब्बत जो है ना, किसी इंसान से अल्लाह की रजा के लिए। This is a positive addiction, and this brings us to the topic addictions. Seven under the shade of Allah. Yes, one of these guys is this person, you know. सही बात है। मतलब बड़ा ताल्लुक नहीं समझना चाहिए मेंटल हेल्थ का, इससे कि एक दूसरे के साथ अच्छे रहो, रिलेशनशिप अच्छे निभाओ, एनर्जी लो एक दूसरे को। बच्चों को देख के बंदा कितना बूस्ट हो जाता है और फैमिली को देख के कितना बूस्ट हो जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज। लेकिन मोबाइल फोन ने ना हमारी जो फैमिली लाइफ है ना उसको बहुत ज्यादा तबाह कर दिया है, और हर बंदा इवन खाने में बैठे मोबाइल पे लगे हुए हैं, घर में बैठे मोबाइल पे लगे हुए हैं, सारे लाउंज में सारे बहनें भी आई हुई हैं दूर से और भाई भी आए हुए हैं, और गेट टुगेदर है एक, और उसके बाद सब बंदा अपने मोबाइल पे लगा है। और एक्चुअली इससे बिना इरिटेशन और इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में जाता है, यू नो। एंजाइटी की बहुत बड़ी वजह है ये मोबाइल फोन एडिक्शन आज के। तो इस बारे में ना द रीजन व्हाई वी डिसाइडेड दिस टॉपिक मेंटल हेल्थ इश्यूज इज बहुत ज्यादा कॉमन है। तकरीबन हर दूसरा शख्स, हर दूसरी बहन इस चीज में मुब्तला है और डॉक्टर्स के पास नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, यू नो। तो हम एक ना ऐसा एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम उनका कैथारसिस कर दें इस हवाले से कि कम से कम उसको उनको ना इस चीज के बारे में क्लैरिटी मिल जाए, और वो फर्दर स्टेप्स उठा के इंशाल्लाह अपने सोल्यूशन की तरफ और अपना जा सके ट्रीटमेंट की तरफ, यानी ब्रेकिंग डाउन व्हाट दिस थिंग रियली इज। यस, ठीक है, उसको ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ नॉट स्पीकिंग अबाउट इट। क्योंकि मैं अगर डेंटिस्ट से पास जाऊं तो मुझे कोई शायद शर्मिंदगी ना हो, लेकिन अगर मैंने साइकियाट्रिस्ट से पास जाना है तो पीपल फील शायद कि यार ओए मुझे देखता है, मैं मास्क पहनूंगा, मैं क्या पहनूंगा, लेकिन ये पागल हो गया। हालांकि इट्स नॉर्मल कि आप उसके पास जाएं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, मुख्तलिफ जो चीज़ें हम फ़िलहाल डिफरेंट जो मेडिकल इलनेसेज हैं, साइकोलॉजिकल इलनेसेज हैं, जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है, चीज़ें उस पर आते हैं। लेकिन जो मेनली जो सबसे कॉमन है डिप्रेशन, एनजाइटी, मूड डिसऑर्डर्स, इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं? व्हाट डू यू थिंक? सिम्टम्स से पहले ना सॉरी मैं ये समझता हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ जो है ना वो डिप्रेशन नहीं होती। मैं ये समझता हूँ कि ये फितरत का पार्ट है। आप कभी हाई फील करते हो, कभी आप लो फील करते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि आप जब भी लो फील करें तो आप ये समझने लग जाओ कि आप डिप्रेस्ड हो, ठीक है। तो सैडनेस जो है वो ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम लोग समझ लें हम डिप्रेस्ड। और हमारी सोसाइटी में असल में ना इस पर बात ही नहीं की जाती और इसको एक टैबू समझा जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज को। और पेरेंट्स और चिल्ड्रन में बहुत गैप है। मैंने देखा है कि वो जब पेरेंट्स से बच्चे को बात करें ना अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, तो पेरेंट्स फौरन एक रिप्लाई करते हैं कि यार तुम्हारा ईमान डाउन है, या तुम अल्लाह अल्लाह करो, ठीक है। ये बड़ा कॉमन एक हमारे माशरे में ना वो बन गया है कि यार डिप्रेशन में जो मुब्तला है ना उसका मतलब उसका ईमान ना होना। या फिर ये भी कहते हैं कि यार तगड़ा बन मर्द बन क्या हो गया, हाँ। जा जाके खेल, हमें तो हमारे घर वाले बाहर फेंक देते थे कि जाओ बाहर जाके धूप में थोड़ा सा ना, हमें तुमने बहुत नाजो नाज में पालना है इसलिए तो डिप्रेशन में हो रहे हो, जाओ जाके बाहर खेलो एंजॉय करो दोस्तों मिलो ठीक हो जाओगे, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उस चीज का। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक चीज भी मैं समझता हूँ कि मैं जब पढ़ रहा था साइकोलॉजी की एक बुक, तो उसने ऑथर ने ये लिखा था, मेंटल डिसऑर्डर्स के चैप्टर आया कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल थिंक के मुझे ये है, मतलब ये एक इंसानी नेचर है कि जब आप वो चीज पढ़ते हैं ना उसके सिम्टम्स देखते हैं आपको लगता है मेरे साथ है, तो उसने कहा इस तरह आपने नहीं देखना, जैसे जादू के सारे सिम्टम्स हो ना तो जादू होता है, ये नहीं है कि नाइटमेयर्स आ रहे हैं तो जादू हो गया, सारे सिम्टम्स कंबाइन होने चाहिए। इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स के भी सारे सिम्टम्स हैं तो है, क्योंकि आप सिम्टम्स पढ़ेंगे तो लगेगा कि फीलिंग लो, स्लीप डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर्स, आपको यार ये सब चीजों में मुझे कभी कभी अनडिफाइंड पेन्स होती है आपको, ठीक है, तो ये पेन स्ट्रेस की वजह से होती है। एग्जैक्टली, फीलिंग होपलेसनेस, पेसिमिज्म की तरफ बहुत सोचना, बिल्कुल persistent sadness आपको आ रही है। हालांकि ये चीजें नॉर्मली भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं हमारी लाइफ, जैसे मैंने पहले कहा कि we go through this wave, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन। मेरी एक राय, आप एग्री करते हैं इससे कि जब भी एक माशरे में बहुत रैपिड सोशल चेंज आती है तो फिर वहाँ बहुत मसाइल पैदा होते हैं, मेंटल इश्यू। यानी पिछले 20 साल में जो इतनी रैपिड चेंजेस आई है ना वेस्ट में भी और यहाँ भी, मीडिया से लेकर लाइफ का स्ट्रक्चर से लेकर जॉब से लेकर रूटीन से लेकर, यानी इतनी रैपिड है कि पीपल कुडंट हैंडल इट। तो मेरे तो ख्याल में कि दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस हमारी सोसाइटी की कि वी आर नॉट एबल टू कोप विद इट, मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट एबल टू कोप। चेंज से क्या मुराद है आपके, कि व्हेन पीपल सी अदर पीपल चेंजिंग एंड प्रोग्रेसिंग? ओवरऑल सोसाइटी में सोशल चेंज एक है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अमेरिका जब एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ गई, अच्छा सही, तो बहुत डिप्रेशन फैली थी, क्योंकि यार एकदम आप नेचर से हट के मशीनों के पास चले जाएं, फैक्ट्रीज में जाके घुस जाएं, आपका फास्ट फूड शुरू हो जाए नेचुरल डाइट से हट के, और फिर कितने मसाइल उसके पैदा होते हैं, फैमिली वैल्यूज हर्ट होती हैं, फिर मीडिया में क्या क्या दिखाया जा रहा होता है, कंज्यूमरिज्म की वजह से कितनी डिप्रेशन है आपकी सोच, कंपेरिजन करना शुरू कर। अब हिस्ट्री में कभी देखें कोई प्रॉपर जिम्स कभी थे, ये प्रॉपर कोई एक जगह जहाँ पे एक्सरसाइज करें, इस तरह से नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों को भी जरूरत ही नहीं पड़ी, उनका ट्रैवल था ही या तो घोड़ों पे या गधों पे, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल या चलना था, ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल था। उनको कभी विटामिन डी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, वो निकलते ही बाहर थे, वो घर में सारा सारा दिन रात गुजारते ही नहीं थे, ठीक है, वो बाहर हैं या घर ऐसे हैं। तो इस तरह का लाइफस्टाइल उन्होंने गुजारा जिसमें इट वाज नेचुरल, विटामिन डी लेना है, चलना है, एक्सरसाइज की प्रॉपर जरूरत कभी नहीं पड़ी। हमें किस कौन से लोग मिलते हैं कि वो रोजाना जिम का एक्सरसाइज का टाइम निकालते थे, यस वो रेसल कुछ ट्रेनिंग करने के लिए टाइम निकालते थे, अपने आप को मजीद एक्विप करने के लिए फॉर फाइट, लेकिन they were lean people and they were smart। असल में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ना हमने कंफर्ट को बहुत ज्यादा अपनाया, तो जितना जितना हमने कंफर्ट को अपनाया उतना ज्यादा हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ गए। गाड़ियां आ गई हैं, पैदल चलना खत्म हो गया हमारी लाइफ से, फिर ऊपर से डाइट, जीएमओ फूड्स और यू नो हर तरफ से कर करके इंसान, तुम बैठे रहो काउच में तो मैं सब कुछ यहाँ टेबल पे सर्व कर। और देखें रवैयों में कितना फर्क पड़ा है, जल्दबाजी आ गई, गुस्से तेज होना आ गया मिजाज। अब पुराने बुजुर्गों को देखें यार, उनके चेहरे से कामनेस टपकती थी, हाथ में तस्बीह होती थी, फसलों में वॉक कर रहे हैं और जाहिर है कि नेचर के साथ कनेक्टेड है, बुर्दबारी, बर्दाश्त और ये टॉलरेंस, ये सारी चीजें उनमें बहुत नजर आएंगी। लेकिन हमारी जनरेशन में बेचैनी बहुत ज्यादा, ये बड़ा एक मसला है। मैंने ना अभी हमने जो अफ्रीकन फिंचेस घर पे हमने रखी हैं, हाँ। वो भी शायद परेशान हो गई होंगी कि रात को इशा के बाद भी लाइट चल रही है, हाँ। और उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब जैसे से हुआ, क्योंकि पहले तो सूरज निकला और इंसान जाग गए, जैसे बर्ड्स होती है ना, वो शुड बी क्लोजर टू नेचर एंड बर्ड्स। आप देखिए फजर पे कभी आप जा रहे हो ना कि कहाँ शुरू हो गए कौवे निकलने, बर्ड्स निकल रही है और उस टाइम शुरू अपने भाग दौड़ में। मगरिब के टाइम आप देखें टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट जा रहे होते हैं, ठीक है, सारे अपने घरों की तरफ, और हम लोग वहां पे गाड़ी पे निकल रहे होते हैं। और लाइट्स आने के बाद तो हमारा जो लाइफ अचानक से जो चेंज हुआ है ना पिछले 100 साल में, जिसमें आप रातों को भी जाग रहे हैं, हालांकि ह्यूमन हिस्ट्री में रातों को नहीं जागा गया एक्सेप्ट फ्यू डेज इबादत के लिए, वो भी हमने जब ये किया ना अपने साथ, तो ये सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज आए डेफिनेटली। और सिम्टम्स पे हम बात कर रहे थे कि पीपल फील वर्थलेस समटाइम्स, लैक ऑफ एनर्जी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मुआशरे फील करना, या लैक ऑफ पर्पस होना लाइफ में, ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं आप इंक्लूड करते जाएं। और कांस्टेंट स्टेट ऑफ होपलेसनेस जी कि कुछ हो नहीं सकता मेरा। कांस्टेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि डेली कभी फील करना इट्स नेचुरल, ये तो हमारे मतलब बड़े बड़े लोगों को हो जाता है, बिल्कुल गम आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, लेकिन कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, ऑफ मेलनकॉली, मेलनकॉली से मुराद है कि हर वक्त डार्कनेस फील करना। आप महफिल में बैठे हुए, आपको समझ नहीं आ रही, जोक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप बस अपने ही अंदर खोए हुए, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला के आप एक जगह पहुंच जाते हैं और आप कॉन्शियस ही नहीं है कि मैं पहुंच गया। ड्यूरिंग द वे आपने देखा ही नहीं है इर्द गिर्द क्या, पता नहीं आप किन सोचों में गुम है। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्ट। बिल्कुल, जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको डिसीजन ही ले जाता है कि मैं या तो रोड क्रॉस कर लूं या भी ना करूं, या कौन सी शर्ट पहनूं। वो आधा आधा घंटा गुजार लेता है कि मैं शर्ट कौन सी पहनूं। एग्जैक्टली, और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। फीलिंग रेस्टलेस, मूविंग और टॉकिंग स्लोली, एनर्जी का बिल्कुल लो फील करना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी, रिमेम्बरिंग, आपको याद चीजें भूल जाती हैं, अल्फाज भूल जाते हैं मुंह से निकलना। अगेन कांस्टेंट होना जरूरी है, चीजें भूल जाती हैं, इट्स नॉर्मल, ठीक है, चीजें भूल जाती हैं। सो एपेटाइट में ना, या तो बहुत ज्यादा एपेटाइट हो जाना, कुछ लोग बिंज ईटिंग शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग जो है, और कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ दिया और 10 किलो अपने 8 किलो गिरा दिए और वीक हो गए। कुछ लोगों की नींद बिल्कुल उड़ जाती है, कुछ लोगों की नींद बहुत ज्यादा आती है, हर टाइम ही सो रहे हैं, ठीक है। इंसोम्निया बड़ा इम्पोर्टेंट एक सिम्पटम। सो आई वांट कि हम ना जरा डिप्रेशन को, इस सारी कैफियत को जरा ब्रेक डाउन भी करें, क्योंकि ये जितनी बातें अभी हमने की हैं तो हर बंदा अभी सेल्फ एनालिसिस मोड में चला जाएगा, यू नो, कि मुझे क्या क्या मसाइल हैं या नहीं है, इवन कांस्टेंट हैं भी या नहीं, उस पर भी डिबेट करेंगे। लेकिन वी शुड ब्रेक इट डाउन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन। एक तो एग्जिस्टेंशियल है, वो जब आप कोई लैक ऑफ पर्पस हो, आपको समझ ना आ रहा हो मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हॉलोनेस फील करें आप, और आपको समझ ही ना है कि ना मैं सोसाइटी से रिलेट कर पा रहा हूँ, ना मैं फैमिली से रिलेट कर पा रहा हूँ, ना मेरा कोई बिगर गोल है, आई एम जस्ट अ कॉग इन अ मशीन, कि ये पूरी मशीन है, मेरा पर्पस क्या है, नथिंग। जैसे एक कॉर्क होता है, दैट्स इट, ये मेरा पर्पस है। तो ये तो उस बंदे को होगी जिसके सामने लाइफ का एक पर्पस और मिशन नहीं है, और एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस नहीं है, और जो बस उन चीजों में हैप्पीनेस फाइंड कर रहा है जो चीजें असल में हैप्पीनेस नहीं, डोप देती हैं, क्योंकि हैप्पीनेस को भी डोप के साथ इक्वेट करते हैं, वाली यूफोरिया और रिलेशन के साथ इक्वेट करते हैं। वी मिक्स हैप्पीनेस विद प्लेजर, विद प्लेजर, प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के बैठ गए। एग्जैक्टली, ये हेडोनिक प्रिंसिपल है, हेडोनिज्म जो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट था, उसमें आता कि गेनिंग ऑफ प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ सफरिंग इज हैप्पीनेस। तो ये हमारी यूथ समझती कि ये हैप्पीनेस है, व्हेन दे गो आफ्टर इट, व्हेन दे चेज इट, तो फिर जाहिर है कि उसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन बहुत आता है। और ये बेचारों का, बेचार तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सिंसियरिटी में है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं कि ये जो फीलिंग है ना, कि वो कहते हैं ना कि इफ यू फील सैड गो एंड ईट ए चॉकलेट केक, ये चॉकलेट खा लें आप, बेहतर फील करें, हैप्पी मील वाला, हैप्पी मील खा लें, ठीक है, या आइसक्रीम खा लें, ठीक है, कॉफी को स्मेल कर लें। रिटेल थेरेपी एक पूरी थेरेपी है, जी जी, गो आउट फॉर शॉपिंग। नाउ इसमें हैप्पीनेस नहीं है, प्लेजर है, सही। कुछ देर का ना, जैसे मेरे अगर मसला है, मुझे पेन में कोई भी पेन हो रहा है, मुझे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, मैं पैराडोल खा लेता हूँ तो 2-3 घंटे के लिए मुझे आराम मिल जाएगा, 6 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद वो मसला सॉल्व नहीं होगा। So this is what people do. असल में it comes from a godless society ना, तो उनमें तो रूह का तसव्वुर ही नहीं है, तो इसीलिए they rely on more physical things उसको रिलीव करने के। कल मैं बात कर रहा था एक दोस्त से कि यार इस्लाम ने क्या आपको सिस्टम दिया है कि आप जितना मर्जी गमजदा है, गमजदा की बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आप सिर्फ एक सजदा करें अल्लाह को और आप कह दें। सही बात, कितनी महरूमी है उन सोसाइटीज की जिनके पास अल्लाह ही नहीं है और जिनकी जिंदगी में अल्लाह ही नहीं, वो करें क्या, टोटली अकेले फील करते कि अब कोई भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्या करूं, लेकिन हमारे पास अल्लाह है। एक सजदा करें और फिर देखें आपको कैसी, व्हेन यू वेंट आउट, व्हेन यू पोर योर हार्ट, एग्जैक्टली, ठीक है, इन सजदा, ठीक है, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आप रो रहे हैं अल्लाह ताला से, सारी बातें कर ली, इवन बोल के कर ली हैं, How light you feel, you know? Exactly. और फिर ये भी अंदाजा होना और एहसास होना कि वो मुझे attentively सुन रहा है। हाँ। अच्छा, फिर वो सिर्फ सुन नहीं रहा, मतलब एक बच्चा भी आके मुझे सुन सकता है, लेकिन he has authority to change my तकदीर। He is the one that I can trust। और मैं उसको बता रहा हूँ जो भूलेगा नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। ये जो चीज आप बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, हैविंग दिस कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज ऑफ अल्लाह's ब्यूटीफुल नेम्स, यू नो, सिफात, दैट ही इज अल अलीम अल खबीर, कि वो जानने वाला है, मुझे सुन रहा है, यू नो, ही इज कादिर, बिकॉज़ ही इज अल फत्ताह, वो डोर ओपनिंग वाला है, यू नो, ही विल ओपन डोर्स टू माय ऑफ माय प्रॉब्लम्स। सो इट कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस। और बात ये है कि जो हम प्लेजर और हैप्पीनेस की बात कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना कि सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट्स, कुछ ना कुछ मैं एग्री करता हूँ लेकिन सबसे मैं एग्री नहीं करता पूरे उसे। मतलब सेल्फिशनेस हैप्पीनेस देने से आती है, लेने से नहीं आती। वो जो क्यों शहादत को कहते हैं कि इसने जामे शहादत नोश कर लिया, कि इतनी इसने खुशी पाली कि इसने अपना माल भी लुटा दिया, जान भी लुटा दी। असल जो जामे शहादत नोश करना है ना, बेसिकली पूरा पूरा जाम पी गया, एक दो कतरे एक दो सबसे लिया हैप्पीनेस का, पूरा ग्लास पी गया हैप्पीनेस का, कि इसने अपना जान भी लुटा दिया, माल भी लुटा दिया। असल खुशी जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं वो कलेक्टिवनेस से आती है, कलेक्टिविज्म से आती है, नॉट इंडिविजुअलिज्म से। तो लोगों को देने में, खैर, कमिंग टू द रीजंस ऑफ डिप्रेशन, अभी बात हो रही थी कि क्या रीजंस हैं डिप्रेशन की, आपने कुछ एनवायरमेंटल के बारे में बताया? मेरे तो ख्याल में ओवरऑल हमारी सोसाइटी वेरी कॉमन रीजंस कुछ बताऊंगा, बाकी जाहिर है जीन्स और इनहेरिटेंस भी होती है, आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उससे भी डिप्रेशन आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में रिलेशनशिप से मुराद है कि जब आप किसी के साथ दिल लगाएं, वो डिसलॉयल्टी शो करे, वो बंदा लॉयल ना निकले आपके साथ, जब आप अपनी एनर्जीज एक बंदे के लिए सर्व कर दें और उसके बाद उसकी तरफ से वो रिटर्न ना आए, तो जाहिर है जिसकी लाइफ में अल्लाह नहीं है और अल्लाह प्रेफरेंस नहीं है और सिर्फ एक बंदा या बंदी खुदा बना हुआ है उसका, बिल्कुल, तो डेफिनेटली डिप्रेशन आएगी। फिर रिलेशनशिप से मुराद है कि जब अपने ही दुख देने लगे या जब अपने ही कुछ ऐसा काम करें जो शॉकिंग है आपके लिए, तो रिलेशनशिप्स रिलेटेड जो है ना, ये एक रीजन मेरे ख्याल। दूसरी मेरे ख्याल में वो केसेस भी आते हैं जो ब्रेकअप केसेस हैं। आप देखें कि किसी लड़के ने किसी लड़की में अपने 5 साल इन्वेस्ट कर दिए और अपने आप को इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया कि अपना जिंदगी और पूरा जहां उसको समझने लगा, लेकिन फिर उस लड़की ने या लड़के ने उसको डिच कर दिया और ऐसा बिहेव किया कि आई डोंट केयर। तो वो जो इतना वीक फील कर रहा होता है ना कि अच्छा, लोग सुसाइड क्यों करते हैं, कि बड़ी दफा मैसेज करके पैगाम पहुंचाने का एहसास दिलाया कि किधर चले गए हो तुम, किधर चली गई हो, अब तक तुम्हें एहसास तो हो, एटलीस्ट शो ग्रीफ कि हम जुदा हुए हैं, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा। दिस इज इटसेल्फ ग्रीफ ओवर ग्रीफ। और फिर वो क्या करते हैं कि यार इसको तभी एहसास होगा जब मैं अपनी जान ले लूंगा, जस्ट टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज। और फिर हमने आपको, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी सुसाइड करने वालों को बड़ा सेलिब्रेट करती है, उनको हीरो बना के पेश करती है, पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है। तो फिर सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ा जुल्म है जो हम यूज पे कर रहे हैं जी, कि उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको एक तरह से उनको कहना कि यार रेस्ट इन पीस और वो चले गए इस दुनिया से, और सारा वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ भी फिर ऐसा ही होगा, यानी आई विल बी अ हीरो, पीपल विल सेलिब्रेट माय डेथ। एक है कि आप सिंपथाइज करो, ठीक है, लेकिन एक है कि आप उन्हें सिंपथाइज इस तरह कर रहे हो कि उन्हें एज ए कूल सेलिब्रिटी ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ये भी एक वे आउट है। बिल्कुल। और बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ, वो एक अलग बात है, बेचारे या बेचारी के साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसका तरीका गलत था, ये बताना बहुत जरूरी है। असल में जहालत है ना ऐसे बंदे की, मतलब ही डिडंट हैव नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला, यू नो। एक मुसलमान जो होता है, जो जितना मर्जी, मैं कहता हूँ, वर्स्ट ऑफ ग्रीफ से भी गुजर जाए, अगर उसको ये मालूम है ना कि ही ऑलवेज हैज और शोल्डर टू क्राई ओवर ना, कि उसके साथ लीन करके वो अपने दुख जो है वो उसको दे सकता है, अल्लाह ताला से बात कर सकता है। जब वही बात है कि वो इस ग्रीफ से गुजरते हैं एंड व्हेन दे सी के उधर कोई बंदा नहीं है जिससे वो शेयर कर सकते हैं अपना मसला, तो वो फिर डेफिनेटली इस एस्केप की तरफ जाते हैं, और वो एस्केप इनफैक्ट है भी नहीं, वो एस्केप है भी नहीं। हदीस में क्या आता है कि वो सारी फिर हमेशा कायनात में आखिर तक अपने आप को इस तरह मारता रह जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। और मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा था, आपके पास भी काउंसलिंग केसेस आते हैं, मेजॉरिटी मसला यही है यूथ का। और इनफैक्ट सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने तो इसको स्पाइडर्स वेब से तशबीह दी है, कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों पे रिलाय करते हैं, रिलाय करने का है और उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, तो फिर उनका सहारा एक स्पाइडर वेब की तरह, यानी तागूत की बात हुई है, तागूत पे उम्मीदें लगाओगे, एनीथिंग अदर देन अल्लाह सुब्हान ताला जिससे आप उम्मीदें लगाओ या जिससे तवक्कल करो, दैट इज तागूत। फिर अल्लाह ताला उसी के हवाले कर देते हैं ना, फिर उसी के ठीक है जाओ तुम। और आपकी जो बेस स्पाइडर वेब है तो वो कितनी स्ट्रांग है, यानी इसको हल्की से तेज हवा भी, इवन एक कोई पत्ता भी जो है ना तेजी से इसको उड़ा के ले जाता है। और अल्लाह सुब्हान व तआला भी ना मतलब सुब्हान अल्लाह आउट ऑफ हिज ग्रेट मर्सी एंड विजडम एंड हिकमा, वो ये कि कभी कभी इंसान को जानबूझ के इस मसले में डालते हैं ताकि उसकी हर इंसान से उम्मीदों को तोड़ के अपनी तरफ उम्मीद कायम कर दें। मेरे शेख बताते, शेख बकर कहते थे कि एक बात याद रखें, उनको उनके टीचर ने एडवाइस की थी कि जब भी आपका जो मोहब्बत है अल्लाह ताला के साथ, कोई भी चीज़ ग्रो करते करते उस मोहब्बत के करीब या उससे ऊपर चली जाए, और अगर आप शर्त है कि नेक इंसान है, जनरली दीन से मोहब्बत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अपने आखिरत के बारे में कंसर्न है, ठीक है, उस बंदे को अल्लाह ताला उसकी उस मोहब्बत को जो अल्लाह से टकरा रही है, जो ऊपर जा रही है, अल्लाह उसको तोड़ देंगे। जस्ट के आपकी जो मोहब्बत अल्लाह के साथ ऊपर ही रहे, और अल्लाह सुब्हान ताला वांट्स हिम टू बी इन जन्नत विद हिम, और इस मोहब्बत की वजह से वो कहीं चला जाता है। युरिदिल्लाहु बिही खैरन यूसिब मिनहु, है ना, हां यूसुफ और यूसिफ, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला जिससे खैर का इरादा कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको इस चीज तकलीफ में डाल रहे हैं, यू नो। और दूसरी रीजन फाइनेंशियल हो सकती है कि मिसाल तौर पे अनएम्प्लॉयड है, जॉब नहीं लग रही, बड़े अरसे से ट्राई कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस पुअर हो गई, कोई बिजनेस लॉस हो गया, अचानक जॉब चली गई, कोविड में कितने लोग डिप्रेशन में गए घर बैठ के। माश की जो फिक्र है ना, इससे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी, यानी गुर्बत से, फकर से पनाह मांगी। अल्लाह ने औज़ बिका मिनल कुफ्री वल फकरी, औज़ बिका मिन अज़ाबिल कब्र पढ़ते हैं उसके बाद सुबह शाम। और तीसरी रीजन मेरे ख्याल में जो नजर आता है कॉमन इशू, वो पास्ट के जो रिग्रेट्स है ना, जब आप पास्ट को लेकर बैठ जाए, निकल ही नहीं रहे आप पास्ट में से, बार बार आप पास्ट को कोट करते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरी लाइफ ज़ाया हो गई, मेरे खेलने के दिन थे, मेरा ये करने का दिन थे, माँ बाप ने जिम्मेदारियां लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो शैतान को बहुत पसंद है, और यहीं से वो पकड़ता है कि ठीक है जी, मुझे इसकी कमजोरी पता लगी कि पास्ट के अब रिग्रेट्स से बताई जाओ, ताकि ना ये टुडे में रहे, ना ये फ्यूचर का सोचे। तो ये तीन रीजंस, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इश्यूज और फिर पास्ट के रिग्रेट्स। बाकी आप भी कुछ ऐड अगर करें इसमें। नहीं बिल्कुल, ये जो आपने पास्ट रिग्रेट से बात की ना, कि गलत डिसीजन ले लेना ना, किसी का गलत डिसीजन हो गया और फिर कहना कि मैंने इस बंदे से शादी क्यों की, सारी जिंदगी बेबी आपने गुजार दी या मियाँ आपने गुजार दी कि मैंने शादी क्यों की ऐसे। भाई अब हो गई ना, अल्लाह ने लिखा हुआ था आपके लिए, नाउ ट्राई टू मेक इट हैपन। बिल्कुल सही, अब गुजारो जिंदगी बेहतरीन तरीके से जो जो हो सकती है। हाँ अगर बिल्कुल नहीं बन रही तो फिर आपके रास्ते जुदा जुदा कर लें, नया डिसीजन लें, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें। ये उसी पे कोड़ते रहना कि ऐसे मैंने शादी नहीं करनी थी या ये मैंने बिजनेस क्यों किया। और इसमें अल्लाह ने क्या फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहरिस अला मा यनफाउक, सीक व्हाट इज बेनिफिशियल, वस्तइन बिल्लाह, और अल्लाह की मदद हासिल करो, वला ताजिज, और अपने आप को ना आजिज मत करो कि यार ये तो हो नहीं सकता, आई कैन डू इट, नहीं, मोमिन कभी ऐसा नहीं करता। और अगर कोई चीज हो जाए तुम्हारी तकदीर में लिखी हुई थी, तो ये ना कहो कि इफ ना यूज करो, जो इफ का वर्ड है ना, काश ये मैं ना करता, अगर मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, अगर मैं उससे मेरी डिसीजन माँ बाप को शेयर कर दी थी तो ऐसा हो जाता। और फिर फरमाया, क्योंकि इफ कहना ना शैतान के लिए दरवाजे खोलता है, और दरवाजे कहाँ खोलते हैं, दिल और दिमाग। यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हदीस जो आपने बताई है ना, ये ना समराइज कर देती है एक मुसलमान का मामला, लाइफ में क्या होना चाहिए। एंड इट्स एक्चुअली अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ। यस यस, कहा गया कि जिस चीज को तुम अच्छा समझते हो उसकी तरफ बढ़ो, ठीक है, उसकी तरफ अपनी एफर्ट लगाओ, लेकिन साथ में अल्लाह ताला से मदद भी तलब करो, और अगर वो नहीं होता तो कोसने ना लग जाओ, ठीक है, कि मैं ये होता तो वो कर लेता। ये वैसे ना वो लोग करते हैं जिनकी जिंदगी में अल्लाह नहीं होता, ठीक है, वो ये समझते हैं कि हम अपने किए के ना मतलब कुल्ली तौर पे जिम्मेदार हैं, ठीक है। और अखी नेगेटिव, इतनी सेल्फ टॉक, हमारी आवाम नेगेटिव सेल्फ टॉक करती है ना कि मैं बर्बाद हो गया, मेरा दिन खराब हो गया, मेरी किस्मत खराब हो गई। ये सेंटेंसेस बड़े कॉमन है हमारे घरों में, आज का दिन बहुत बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया। बिलीव मी, इसका कितना इम्पैक्ट होता है हमारी साइकोलॉजी पे, हमारे केमिकल्स पे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी वेरी, इवन बच्चों के साथ अली भाई हम करते हैं, हम बच्चों को कहते हैं कि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। छोटी छोटी बातों पे हम इतना ज्यादा उनको नेगेटिवली वो करते हैं कि वो उनकी पर्सनैलिटी में ये इशूज आ जाते हैं, यू नो। हमारे घरों के ये मसाइल हैं कि तुम कामयाब कभी नहीं हो सकते, तुम कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, तुमसे कोई काम नहीं होता, तुमसे काम ढंग से होता है, you know, these kind of sentences। अच्छा लेकिन यहाँ एक बात मैं ऐड करूँ, हमने अपने बड़ों को, बड़ों से मुराद है रिलेटिव्स में और इधर उधर अंकल्स आंटीज वगैरह, कोई कहते सुना है कि यार आज की जनरेशन कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, इसमें आप क्या समझते हैं। ठीक है मसाइल हैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि ओवर सेंसिटिव भी बहुत है। है तो सही, मुझे भी लगता है, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि यही चीज़ें हम उसी माशरे से निकल के आए हैं, ठीक है, हमने अपने साथ और लोगों को भी देखा है, ठीक है, पर्सनैलिटी में थोड़ी चीज़ें आई हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करें तो खाई हमने बहुत बहुत मारे, ठीक है, लेकिन हमारी जिस तरह से पर्सनैलिटी ग्रूम हुई है, आजकल के बच्चों को अगर मार पड़े तो उनकी पर्सनैलिटी जिस तरह से ग्रूम हो रही है वो कुछ और ही चीज बन रही है। जैसे रिसेंटली मैं एक अंकल के साथ बैठा, उन्होंने कहा कि बेटा जो जो सेटबैक्स हमने देखे हैं ना अपनी लाइफ में, तुम्हारी जनरेशन उसके करीब भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कि वो तो थोड़ी सी बात पे सुसाइड की बात करने लग जाते, यानी उन्होंने शायद सीखा ही नहीं कि यार जब चीज ना मिले तो हाउ टू रिएक्ट टू इट। बिल्कुल, चीज का ना मिलना एक नेचुरल चीज, शायद शेख पेरेंटिंग का मसला है, हमने ना करना नहीं सीखी। पेरेंटिंग का भी बहुत बड़ा मसला है, ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है कि किस तरह से पेरेंट्स ने बच्चों को ख़राब किया है। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो हम देखें, जब ये सोसाइटी बनी ना, ग्लोबलाइजेशन हुई है, जब ये पूरा एक दुनिया कनेक्ट हो गई इंटरनेट से, फिर मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ बन गई हैं, फिर आपके घर में नेटफ्लिक्स चल रहा है, हर चीज़ चल रही है, फिर ना आप किसी सर्टन वैल्यूज से अटैच नहीं रहे, फिर आपको ना डिफरेंट कल्चर्स की चीज़ें सुनी, आप ना 3 मेरा है ना 13 मेरा है, इससे आपने ना आइडेंटिटी क्राइसिस सफर करना शुरू कर दिया। एंड व्हेन यू सफर फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस यू डोंट ओन वैल्यूज, फिर जो चीज आपको लग्जरी दे रही ना, जो कि हमारा ये माल है, फिर आपका खुदा या आपकी वैल्यू भी बन जाती है। चाहे आपको माँ बाप छोड़ने पड़े, कनाडा जाना पड़े, उनको बुढ़ापे की हालत में आप जाएंगे, चाहे जो मर्जी करना पड़े आप जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उनका जो पर्पस था ना वो बहुत ज्यादा ना, जो हमारा देखें एक साइकोलॉजिस्ट लिखते एक बुक में मैं पढ़ रहा था, ऑथर का मुझे भी नाम याद नहीं है, ही सेड कि इफ यू हैव 3 थिंग्स इन लाइफ यू विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, एंड द मोर यू हैव दीज थिंग्स द मोर यू विल बिकम इंडिपेंडेंट। सही, नंबर 1 इज समथिंग टू लव, समथिंग टू डू एंड समथिंग टू होप फॉर। ठीक है, ठीक है, जितने चीजें ज्यादा और शदीद होंगी आप उतने ज्यादा लोगों से इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे, ठीक है। समथिंग टू लव इज फॉर एग्जांपल इट कैन बी सीईओ जॉब, ठीक है, कि मैं सी लेवल पहुंच जाऊं। समथिंग टू डू, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, अब आप पहुंच गए, बट व्हेन यू गेट इट डू यू हैव समथिंग टू होप फॉर? नहीं, आपने जो आपका विजन और ड्रीम था वो आपने अचीव कर लिया, अभी आपको बेजारी ऐसे आके हिट करेगी कि आप पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए आप सचिन तेंदुलकर को देख लें और बिल गेट्स को देख लें, उनकी लाइफ में पर्पस कोई नहीं है, इसलिए वो फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, खुद बना लिया उन्होंने, ठीक है। लेकिन सहाबा को आप देखें, दे हैड समथिंग टू लव व्हिच वर अल्लाह के नबी और अल्लाह ताला। अब इनको खुश करने के लिए दे हैड समथिंग टू डू व्हिच वाज दावत एंड जिहाद एंड स्पेंडिंग, पूरा माल घर का समेट कर ले आए। एक्टिविज्म इतना था कि अल्लाह के भी कह रहे हैं यार थोड़ा सा कम करो, अब उसे सारा माल ना दो, कुछ रखो कुछ दो। अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस, तहज्जुद भी पढ़ो, सो भी सही, रोजी भी रखो। इतना एनर्जी थी, इतना पर्पस ऑफ लाइफ था, मीनिंग टू लाइफ थी, उन्होंने रोकना शुरू कर दिया कि मेरी सुन्नत पे चलो बहुत ज्यादा। एंड देन डिड दे अचीव जन्नत इन दिस लाइफ? नॉट एट ऑल। समथिंग टू होप फॉर ना वो इस दुनिया में होता ही नहीं है, वो आखिरत में होता है। व्हेन यू गेट समथिंग टू होप फॉर इन दिस दुनिया ना, कि आपने बस मिल गया और क्या, आप बस मेरे खत्म लाइफ, तो आप ना एक डिप्रेशन की स्टेट में चले जाते हैं कि मेरे जीने का मकसद ही सुसाइड होता है। अक्सर लोग ना इस क्लाइमेक्स पे जाके, हाँ, सक्सेस की क्लाइमेक्स पे जाके भी सुसाइड करते हैं। आप गूगल करें ना, टॉप सेलिब्रिटीज कमिटेड सुसाइड इन द पास्ट 100 इयर्स, रॉबिन विलियम्स, एमी वाइन हाउस, टोनी स्कॉट, आप अर्नेस्ट हेमिंगवे, जितने देख लें, क्रिस बेनवा को, आप जितने देख लें, सारे पीक पे हैं, पैसा है। देखिए ऑक्सफोर्ड क्या कहता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कहती है कि सक्सेस क्या है कि वेल्थ है, फेम है और स्टेटस है, तो आप कामयाब, अचीव कर लिया। व्हाट्स नेक्स्ट? इनके पास वेल्थ भी था, फेम भी थी और सोशल स्टेटस भी था, लेकिन फिर भी ये अपने आप को क्यों मार रहे हैं भाई? क्या वजह है यार? आपके पास सब कुछ आ गया, दे नेवर हैड समथिंग टू होप फॉर। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है। इसलिए तो सहाबा को हम देखते हैं कि आगे नेजा लगा, नेजा यहाँ से निकला, लाइफ खत्म, कहते हैं फुस्तु बिरबिल काबास। वो जो देख रहे कि नेज़ा यहाँ से लगे, वो परेशान हो गया, मर गया बंदा, कह रहा है फुस्तु बिरबिल काबास, काबे की रब की कसम। हालांकि हम तो जीना कामयाबी समझते हैं, ये मरना कामयाबी समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब लोगों की नजर में जीना और कमाना और लग्जरी लाइफ में ना ये कामयाबी है, लेकिन इस्लाम कहता है कि दीन पे मरो ये कामयाबी है, और आगे जन्नत के पास ये कामयाबी है। अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ, एक ना एक्सरसाइज कराई हमारे एक दोस्त ने, वो जिशान जो है, हमारे जिशान खालिद, अच्छा, उन्होंने स्टूडेंट्स ओ लेवल के स्टूडेंट्स कराए, मैं भी रूम में था, क्विकली बताता हूँ। उन्होंने कहा सबको आंखें बंद कर लो, कहते हैं अब इमेजिन करो तुम एक बीच पे हो, कूल ब्रीज चल रही है, सैंड को हाथ लगाओ, बहुत सीन क्रिएट किया, पानी की वेव्स आ रही हैं, तुम्हें आवाज आ रही है और तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हारे साथ है। यानी लड़के कहते हैं यार ये तो आइडियल सीन आपने बना दिया। तो जब लड़के बड़ा खुश हो गए, निशान ने कहा इमेजिन करो कि मौत का फरिश्ता आ गया। तो वो एकदम मुंह बना के कहते ये क्या, ये आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, मौत का फरिश्ता, मतलब ये क्या आपने हमारे साथ किया। तो कहता क्यों, क्या मतलब है कि मौत का फरिश्ता आ गया तो डिप्रेशन है भाई, क्या पता इससे इनफाइनाइट टाइम ज़्यादा मज़ा है, ये जो मैंने तुम्हारा पूरा सीन क्रिएट किया, इसका मतलब तुम होप ही नहीं कर रहे आखिरत में। जन्नत को इमेजिन तो करो, वहां पे कौन कौन होगा और वहां की सैंड कैसी होगी, वहां की विंड कैसी होगी। तो ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हजरत अली बिन अबी तालिब को जब लोगों ने ना कुफार आए और अहज़ाब आए और डराया कि हम तुम्हें खा भी जाएंगे और मुसलमानों को खत्म कर जाएंगे, उन्होंने कहा तुम्हें मौत से डराते हो, मौत तो हमारा एक्सटेसी है, पिनिकल है, ये तो हमारी मुलाकात है रब की, मतलब दुआ में मांगा करते थे यार। Exactly. मौत तो हमारे रब से मुलाकात का नाम है, अपॉइंटमेंट है मौत कि रब को देखेंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे जानने वाले हैं, CEO है माशाल्लाह एक मल्टीनेशनल के, वो कह रहे थे कि मैंने ये जो पढ़ी लिखी यूथ है ना, इसमें एंग्जाइटी इतनी देखी है, इन्हें नींदें नहीं आती है मौत के डर से। ये कोविड में कितने लोग डिप्रेशन में गए इस वजह से, मौत का डर कि खत्म हो जाएगा मेरा सब कुछ, एवरीथिंग विल बी ओवर। इससे इतने एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, लोगों को नींदें नहीं आती। और फिर अच्छा एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, मेंटल हेल्थ की जब हमने बात की ना, तो ऑडियंस को क्लियर कर दें कि मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग जिसमें आप नॉर्मल फंक्शन करते हैं, यानी कि जितनी भी जिम्मेदारियां आपकी या आपके सोशल रोल्स हैं या आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आपको नॉर्मल देखें, बिहेव करते नॉर्मल देखें और आप जिम्मेदारियों को बखूबी नॉर्मली जो है वो फंक्शन करें। अब जब भी इसमें कोई मसला आएगा तो वो लैक ऑफ वेलबींग है, और उसकी 4 रीजंस। एक डाइट, जब डाइट हमारी अच्छी नहीं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई फौतगी होती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे तलबीना बनाओ हजरत आयशा को और बाकियों के, इसमें गम का इलाज है, दिल को मजबूत करता है, बिल्कुल दिल को मजबूत करता है। ऑन दी अदर हैंड जब फास्ट फूड बहुत तलबीना का बता भी दें कि ये क्या होता है, तलबीना जौ का दलिया, उसको शहद में डाल के और खजूर के पेस्ट को डाल, बिल्कुल। और ऑन दी अदर हैंड जब आपकी डाइट तय्यब नहीं है, क्योंकि तय्यबात का, तय्यब डाइट का बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर आप कभी इंशाल्लाह मजीद डिटेल बात करेंगे। दूसरी बात आपकी रूटीन, आपकी रूटीन ही ऐसी है कि यार उसमें डोप ही डोप है, उसमें कोई गिविंग नहीं है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जो है वो हर वक्त आप स्मार्टफोन के साथ अटैच्ड हैं, एक 9 इंच की स्क्रीन में घुसे हुए हैं, आप कोई वॉक नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ना आपने जो है वो कोई जिम्मेदारी निभानी, उस वजह से मेंटल हेल्थ कंफर्म डिस्टॉर्ट होती है। तीसरी चीज हैप्पीनेस का फॉल्स कॉन्सेप्ट, लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन लगाना, कंफर्ट जोन से ना निकलना कि मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो जाएगी। ये भी बड़ा मसला है, यूथ क्यों कंफर्ट जोन से नहीं निकलती कि मेरी हैप्पीनेस डिस्टर्ब होगी। कहीं शादी हो गई, डिफरेंट माहौल है, ऐसा होता है ना कि आपका माहौल और इन लॉज का माहौल डिफरेंट है, अब उसको बर्दाश्त ना करना, उस पर गुस्से होना और कॉम्प्रोमाइज की तरफ ना आना और ये अंडरस्टैंड ना करना कि पीपल हैव डिफरेंट नेचर, क्यों, क्योंकि कंफर्ट जोन हर्ट हुआ है, उससे सो कॉल्ड हैप्पीनेस हर्ट हुई। तो एक ये आपका जो हैप्पीनेस, और तीसरा माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि प्रेजेंट में रहना। अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो आई शुड बी कॉन्शियस कि आप सामने हैं, ये सामने है और ये पूरा एक कमरा है, लेकिन अगर मैं कॉन्शियस ही नहीं हूं ना आपके बारे में ना इनके बारे में, और मुझे पता ही नहीं ये कमरा है और मैं अपने माइंड में प्रॉब्लम्स में पहुंचा हूं, तो इसका मतलब कि माइंडफुलनेस में लैक कर। तो ये 4 चीजें जो है ना, ये जब डिस्टर्ब होती हैं तो डेफिनेटली, और उसके बाद फिर वो बहुत डिटेल है कि डिप्रेशन क्या है और मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्या क्या। अच्छा, ये जो सारी बातें अभी आपने की हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग इस हवाले से हो रहा है कि ये मेडिकल पर्सपेक्टिव में आप बात कर रहे हैं या नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। ऑल्दो जो चीज़ें आपने बताई हैं ये सारी इन्वायरमेंटल डिप्रेशन की टाइप्स हैं, लेकिन वी हैव टू कैटेगराइज इट कि ये ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू है, जब वो इन इश्यूज को फेस करता है तो उनको ये चीज़ें करनी चाहिए, या फिर एक ऐसा शख्स जिसको मेडिकली कोई इशू नहीं है बट इट्स अ वेरी रेगुलर लाइफ प्रॉब्लम्स जिनको वो फेस कर रहा है, तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। असल में बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार रिलीजियस लोगों को ना अवेयरनेस भी नहीं है, ना नॉलेज है, वो हमेशा कनेक्ट करते हैं एनवायरमेंटल रीजन से या ये वो। एक हद तक बात ठीक भी होगी चले, लेकिन ये कि हम जो बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। बिहेवियरल है, साइकोडायनेमिक है, कॉग्निटिव है, फिर एक न्यूरोलॉजिकल है। वो आप जो बात कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल है, उसमें ये होता है बेसिकली कि यार एक बंदे का जीन्स का मेकअप ही ऐसा है कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है, शुरू से स्किज़ोफ्रेनिक है। मिसाल के तौर पे जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिश्तेदारों में शादी हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली कुछ तो मसला बनेगा। ठीक है, आपके डीएनए बहुत अरसे से कैरी फॉरवर्ड आ रहा है वही। तो ये एक बहुत टेक्निकल फील्ड है, हम इसके डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ इसका, ये साइकेट्रिस्ट का काम है कि भाई उसको आइडेंटिफाई करे कि कितना केमिकल इंबैलेंस हो चुका है, कितना हिट हो चुका है ये, और किस वजह से हो चुका है। क्या ये जीन्स का शुरू से मेकअप, वो फिर एमआरआई स्कैन और बड़ा कुछ, वो 40-40 टेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं देख के कह देते। स्किज़ोफ्रेनिया के कम अज कम मैं बता रहा हूँ आपको कि 20-30 सिम्टम्स होते हैं, और उसके बाद वो इतने टेस्ट रन थ्रू करता है, इतने टेस्ट रखता है सब्जेक्ट को अपने पास, 20-15 दिन के लिए रखता है। तो कैजुअली ये नहीं कहना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिक है या ये है या ये। Exactly. और ये सब्जेक्ट ही साइकियाट्री का है। साइकियाट्री मतलब हमें जो लोग ऐसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं जिनको, या जिनका बिल्कुल अचानक से जैसे स्किज़ोफ्रेनिक की आपने बात की, अकेले रहना शुरू हो गए, अपने आपको बंद करना शुरू कर दिया है, अपनी पर्सनल हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है, लोगों पर शक करना शुरू कर दिया, मतलब सिम्टम्स है। गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। इवन आपको इससे कम भी सिम्टम्स है ना और सारे हैं, तो गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट या जाएं, ताकि अपना पहले इलाज करें। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये बेसिकली बता रहे हैं कि आपका ट्रॉमा की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से, या इन्वायरमेंटल डिप्रेशन जो हमने रीजंस मेंशन की, उसकी वजह से अगर आप सफर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको एक गाइडेंस दे देगा, ये आपकी थेरेपी कर देगा कि आपको भी करना क्या चाहिए या आपको किधर जाना चाहिए। असल में ना ये डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। अच्छा कि आपने बता दिया कि क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली कौन से रेल में आप बात कर रहे हैं। हमारे लाइफ के कुछ अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऐसा होता है कि कुछ एपिसोड्स आती हैं और ये नेचुरल होती हैं, जैसे कि पहले भी हमने बात की, बार बार वही बात आ रही है। लेकिन उस चीज को अगर आप लेके एक कॉन्स्टेंट फीलिंग आ जाती है ना आप में, तो वो फिर लीड करती है डिप्रेशन की तरफ। Merely feeling of sadness का होना किसी ट्रॉमा की वजह से, ग्रीफ की वजह से, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ डिप्रेशन। उसको कोप कैसे करना है उसकी अलग वो चीज़ें, लेकिन जो मेडिकल रेल में आ जाती है चीज़, मेरे ख्याल से उसके लिए आपको क्लिनिक्स वगैरह जाना चाहिए। देखें जेनेटिकली जो है ना, वो मिसाल तौर पे कुछ लोग ट्विचिंग बहुत करते हैं, मूवमेंट्स बहुत करते हैं, टांग बहुत हिलाते हैं, उनको एंग्जाइटी शदीद होती, पैनिक हो जाती है, वो तो जेनेटिक उसकी प्रूफ मिलता है। स्किज़ोफ्रेनिया का भी जेनेटिक प्रूफ हमें मिलता है, मैंने पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा उसके मुताबिक। लेकिन एक बात बड़ी वाजे हम कर लें कि ये जो एनवायरमेंटल रीजंस भी है ना, इस वजह से भी अल्टीमेटली तो केमिकल इम्बैलेंस ही होता है। डिप्रेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ जो है डोपामीन या सेरोटोनिन, जो हैप्पीनेस के केमिकल कहते हैं। गोलियों में सेरोटोनिन होता है और डोपामीन होता है। डिप्रेशन ये जो साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, कभी-कभी स्किज़ोफ्रेनिया ऐसा भी होता है जिसमें साइंस कुछ मतलब फाइंडिंग्स नहीं होती हैं साइंस की कुछ भी। What would you say about that? एक डिसऑर्डर्स है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको फिजिकल सिम्टम्स आते हैं लेकिन उसकी बीमारी की वजह कोई नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है मेरी किडनी फेल हो गई, या एक बंदा कहता है कि मतलब मेरा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरा दिल की धड़कन बहुत बढ़ रही है ज्यादा। अब डॉक्टर चेक करते हैं, कहते हैं ना इसको बीपी, ना शुगर है, ना इसका क्रिएटिनिन लेवल जो है वो ज्यादा है, वगैरह वगैरह। तो ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, जब वहम की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। मेरे पेट में दर्द है, मेरा स्टमक खराब है, मेरा जिगर खराब हो गया है, मेरा ये हो गया वो हो गया। एक तो नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा, ऊपर से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, फिर जाहिर है कि कुछ वो एंग्जाइटी जीन्स, जेनेटिक मेकअप की वजह से भी आ रही कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना। ये सारी रीजंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें ना शैतान का भी बहुत रोल डिस्कस करना चाहिए। गोरे शैतान उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ना सोल एग्जिस्ट करती है। असल में शैतान का बहुत रोल होता है, बहुत ज्यादा रोल होता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एक स्मॉल थिंग। उसके बाद आप ओवरथिंकिंग करते हैं, आप सर पे सवार कर लेते। शैतान को ना हर बंदे की वीकनेस पता है। अब मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं, यार क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि शैतान को पता लग गया इसको मैंने पकड़ना कहाँ से। यानी अगर तो ये ओवरथिंकिंग बहुत करता है, मैंने वहां से पकड़ना है। अगर तो इसको ब्रांड्स का बहुत शौक है, मैंने वहां से पकड़ना है कि ब्रांड्स तेरे पास आ नहीं रहे, ये तो किन हालात का शिकार हो गया वगैरह वगैरह। जिसको जो है वो किसी रिलेशनशिप से मसला है, वहां से उसको पकड़ना है, ओवर सेंसिटिव करना है। Why are we not able to identify the difference between waswasas and the difference between real mental health issue? हर वसवसे को डिस्कस करना, उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करना, जैसे नाइटमेयर के बारे में आता है ना कि मत डिस्कस करो, झटक दो। कुछ चीजें झटक नहीं होती। हमारे लोग हर वसवसा डिस्कस करते हैं, मुझे ये थॉट्स आते हैं। बल्कि एक तो मैंने मजाक में एक बार किसी को कह दिया कि अगर मैं आपको अपने वसवसे बता दूं आप कहेंगे पागल। सही बात। मतलब कभी कभी ऐसे अजीबोगरीब बातें सहाबा के जहन में आती थी कि हम अपने वसवसे डिस्कस नहीं कर सकते, हम वो जबान पे ला नहीं सकता, ला नहीं सकते। और अल्लाह के ने कहा कि फज़ाकल ईमान, कि ये तुम्हें इन वसवसों से कराहियत और बुरा महसूस हो रहा है ना, कि ये ईमान की निशानी है, तो क्या कहो वसवसों को रद्द कर दो और अपने जो ईमान है ना उस पे फर्मनेस का इजहार करो और कहो आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि, मैं अल्लाह पे और रसूल पे। थॉट्स का और वसवसों का आना बुरा नहीं होता है, व्हाट मैटर्स इज कि आप रिस्पोंड कैसे करते हो। सो एवरीबॉडी हैज टू रिस्पोंड इन अ सर्टेन वे। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, आप मैनेज कैसे करते हैं चीजों को। लेकिन हैविंग सेड इट, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमारा मुआशरा बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी है। फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, दबाया जाता है इमोशंस को, बकायदा कहा जाता है इमोशंस को दबाओ, लेट आउट ना करो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ज्यादा लेट आउट करना, वो जो गोरों का पर्सपेक्टिव है उससे भी मैं एग्री नहीं करता। इतना लेट आउट करो कि हर वसवसा शेयर हो रहा है। लेट आउट अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला वो फहुआ कज़ीम के अल्फाज जो आते हैं, ये जो फलसफा याकूब अलैहिस्सलाम का है, सो यू हैव टू वेंट इट आउट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह सुब्हान व तआला। फहुआ कज़ीम जो है ना वो लोगों के लिए है कि वो लोगों से शेयर नहीं करते थे अपना दिल, यानी अपने सप्रेस करते। लेकिन उसके बाद कुरान कहता है इन्नी अश्कू बस्ती व हुस्नी इल्लाह, मैं लाजमी शेयर करता हूं लेकिन सब अल्लाह से मैं शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये जो ना मेकिंग अल्लाह सुब्हान व तआला योर ओनली एस्केप एंड मेकिंग यू नो टेलिंग योर फीलिंग्स टू हिम, और अपनी हम्बलनेस और वीकनेस का इलाज करना, क्योंकि लोग शायद आपको आपका बेनिफिट लें या आपकी वीकनेस से प्ले करें। अल्लाह सुब्हान ताला तो सुब्हान अल्लाह। अच्छा यार, ये अभी जितनी हम बातें कर रहे थे ये थोड़ी एनवायरमेंटल डिप्रेशन से रिलेटेड थी। व्हाट वुड यू से अबाउट स्पिरिचुअल डिप्रेशन? वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह ताला ये कुरान में ये भी तो फरमा रहे हैं कि जो शख्स मेरी याद से दूर जाता है अल्लाह ताला ने उसके लिए डिप्रेशन लिख दिया, ही विल हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ। What would you say about this? ये तो वो है वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफ़ुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उसका उसे आप भुला दिया। ये एम्प्टीनेस वाली, हॉलोनेस वाली, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन है बेसिकली। थिंग्स गो आउट ऑफ योर हैंड्स। पीपल दे आर ऑलवेज यू नो नाराज आपसे, डिसलॉयल पीपल इर्द गिर्द हैं, आपके इर्द गिर्द झमघट्टा है, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन वो लॉयल नहीं है आपके साथ, वो सिंसियर नहीं है आपके साथ, वो आपको उस तरह से जो है बिहेव नहीं करते आपके साथ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, तो उसकी लाइफ ना तंग हो जाती है। ये वो वाली चीज है, मईशतन जन का तंगी आ जाएगी उसकी लाइफ, उसके रिलेशनशिप्स तंगी क्रिएट करने लगेंगे, औलाद तंगी क्रिएट करने लगेगी, उसको बिजनेस टर्म्स में तंगी आने लग जाएगी। नॉट मनी शायद बहुत आ रहा है लेकिन वो डीलिंग्स में उसको तंगी जो है बहुत ज्यादा। जैसे वेस्ट की मिसाल है, मईशत के हवाले से बहुत ऊपर है लेकिन तंगी साइकोलॉजिकली, क्या वो वाकई ही रिलैक्सड है? कितना कट थ्रोट कंपटीशन वाली उनकी सोसाइटी है। Exactly. कितना औरत को के साथ ज्यादती कर दी उन्होंने। मेजर डिप्रेशन सबसे ज्यादा औरत को वेस्ट में, अमेरिका में। किस लिए? रॉबर्ट फेल्डमैन कहता है जो हार्वर्ड का साइकोलॉजिस्ट है कि मल्टीपल रोल जब से औरत पे डालें, बच्चा भी तुमने संभालना है, कुकिंग भी तुमने करनी है, वही बच्चे को छोड़ के आ रही है ड्राइविंग करके, वही जो है घर भी संभाल रही है, वही जॉब भी कर रही है, बॉस को भी खुश करना है, और सख्त सर्दी के मौसम में स्कर्ट भी पहनना है। मर्द जो है वो सख्त सर्दी के मौसम में सब कुछ पहने अपनी, लेकिन औरत के लिए ड्रेसिंग वो खास मखसूस कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो रखना है। बहुत सारी औरतें, एक डिजीज है बुलिमिया, इंड्यूस्ड वॉमिटिंग की डिजीज, अपने आप का जीरो साइज मेंटेन करने के लिए या अपने को स्लिम रखने के लिए शुरू में तो उन्होंने ऐसा किया कि जब खाती थी ना तो वॉमिट करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको ये डिसऑर्डर परमानेंट हो गया एंड दिस इज नोन एज बुलिमिया, जिसमें वो रह नहीं सकती, वो खाना खाती हैं और फिर उसके बाद दे वॉमिट इट आउट। ये जो है ना कितना एक बड़ा बोझ है एक औरत पे। और जो आपने बात की ना कि वो लोग उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उनका जो तंगी है कुरान ना 6 टाइप की टर्म्स के बारे में बात करता है। उसमें से एक है ज़ीक़ सदर, सही, कि टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट। और जो मुख्तलिफ कुरान जिन टर्म्स के बारे में बात करता है वो है अलहम यानी डिप्रेशन, ग्रीफ। हम हमेशा पास्ट का होता है। So this is how Allah subhanahu wa ta'ala has broken down the feeling of depression, है ना? मैं चाहता हूं कि आप जरा ये terms बताएं। बिल्कुल, ये जो है ना, ये एक चीज नहीं है, different चीजें हैं। मतलब इसमें ना कोई थोड़ा सा क्लिप सुन के ये ना समझे कि यार ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। इट्स अ डिटेल्स सेशन। हम जो है ना वो पास्ट का कोई भी ग्रीफ होता है, पास्ट का दुख होता है, ठीक है, जो सॉरी हम एंजाइटी की होता है। हजन जो है ना, हजन या हुजन या हजन पास्ट का डिप्रेशन है। वो कोई पास्ट में कोई ऐसा मामला पेश आ गया, कोई किसी ने ज्यादती कर दी, उसका जो है ना आपको एक ग्रीफ लगा हुआ है आपके दिल में। वो है जो हम है वो फ्यूचर की टेंशन है, एंजाइटी से बोलते हैं। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की होती है, डिप्रेशन हमेशा पास्ट का होता है। बिल्कुल सही। गम जो है ना वो है किसी डेस्परेट सिचुएशन में आप हैं, हाल में, प्रेजेंट में। हम जो गम है ना वो प्रेजेंट में होता है कि आपको यू हैव थ्रेट टू लाइफ, डार्कनेस छाई हुई है, जिसको मेलनकोली कहेंगे। एग्जैक्टली, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वाला जो है ना वो, बिल्कुल, वो उस टाइम प्रेजेंटली मछली के पेट में थे और उनको ही हैड थ्रेट टू लाइफ। हेल्थ का भी हो सकता है, मनी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। ये सब चीजें ठीक है, इंसान को आती हैं डिफरेंट उसकी वजह से। लेकिन जो यास है ना, यास, नाउमीदी, ऐसा डिप्रेशन जिसमें नाउमीदी हो जाए कि यार मेरा तो कुछ नहीं बन सकता, मुझे तो ना अल्लाह ने भी छोड़ दिया, अल्लाह भी मेरा कुछ भला नहीं करेगा, होपलेसनेस। ये चीज ना ब्लेम वर्दी डिप्रेशन है कि मुसलमान और मोमिन कभी भी इस हालत में नहीं जा सकता, यानी सारी गमों और हुज़न में से गुजर सकता है, लेकिन उसको यास कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और ये अक्सर प्रॉफिट्स के बारे में है कि जो हम होना, हुज़न होना, गम होना, ये प्रॉफिट्स के बारे में, वो से गुजरे। फिर असफ फला अल्लाह का बाखी नफ्सा का अला आसारहिम इल्लम युमिनु बिहादिल हदीसी आसफा, के क्या अपनी जान को आप हला कर देंगे इस चीज में कि वो आपकी बात पे ईमान ले आएंगे। आसफा का जो वर्ड यूज किया अल्लाह ताला ने कि इतना सौरो होना कि यार ये बात समझ क्यों नहीं मेरी, एक उस स्टेट में चला जाना कि इनको समझ क्यों नहीं आती। जैसे मदर्स को बच्चों के बारे में होता है टीनेज बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, बिल्कुल ये असफ होता है। सो ज़ीक़ सदर जो होता है, इट्स टाइटनिंग ऑफ द चेस्ट। अल्लाह सुब्हान व तआला इवन देखें, अब जो हम जो कॉन्सेप्ट है कि हम कहते हैं कि डिप्रेशन आपको हो गया, आपका तो ईमान ही कमजोर है। याकूब अलैहिस्सलाम आप देखें, उनको इसी डिप्रेशन में एक तरह से थे कि यूसुफ को छीन लिया गया, रोते रहे हद तक कि आंखें चली गई, ठीक है। और क्या उनका तवक्कल नहीं था अल्लाह के साथ पे था? क्या वो ईमान में कमजोर थे? नहीं, हर तरफ वो नबूवत के दर्जे पे फाइज थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बेसिकली आप किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। एक मुसलमान मोमेंट डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो असफ वाली सिचुएशन में कभी नहीं जा सकता। इसलिए तो हमेशा बच्चों को कहते रहे, बूढ़े होने के बाद भी, जो यूसुफ को ढूंढो, उसके भाई को ढूंढो। अच्छा, असफ या यास, ये दोनों में फर्क है ना? बिल्कुल, तो मुसलमान असफ में नहीं जा सकता कभी, या यास में नहीं। यास मायूसी है। मैंने असफ कह दिया था? हाँ, असफ कह दिया। I'm sorry, यास जो है ना वो मायूसी है। नहीं, यास ही कहा था, ठीक कहा था। अच्छा, असफ आपने कहा था कि गुस्से, क्यों नहीं मेरी बात। हाँ, डिप्रेशन या सौरो का, इस तरह का जो है ना वो है। अच्छा, इसलिए तो हम अल्लाह ने जो दुआ की ना कि अल्लाहुम्मा अऊज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, या अल्लाह मैं फ्यूचर के डिप्रेशन से भी आपकी पनाह मांगता हूँ और पास्ट के जो जो फ्यूचर की एंजाइटीज पनाह मांगता हूँ और पास्ट डिप्रेशन से भी पनाह मांगता हूँ। तो हमें डिफरेंट जो अल्लाह की जो हदीस है और कुरान में हमें डिफरेंट मिलता है कि अंबिया इन सिचुएशन से गुजरे, लेकिन वो होपलेसनेस में कभी नहीं। अच्छा, हमारा जो रिलीजियस क्राउड है उसमें, जैसे हमने शुरू में भी बात की थी, उनके यहाँ वो हर चीज़ को, हर किस्म के डिप्रेशन को ये कह देते हैं कि यार तुम दीन की तरफ मोड़ो, दीन की तरफ आओ। इस बात को हम शुरू में कर रहे थे ना, फिर हमने डिफ्रेंशिएशन की कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में फ़र्क होना चाहिए। एक क्रिटिकल क्वेश्चन मैं थॉट बल्कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम सीरा में ये चीज़ भी देखते हैं कि इवन जो मेडिकल आपका डिप्रेशन है या कोई डिजीज है, उसका इलाज भी स्पिरिचुअलिटी से किया गया। बिल्कुल, जैसे एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर वाज अ मैन हु वाज मैड, लिटरली ही वाज मेंटली इल, जिसको पिलर के साथ बांधा हुआ था, ठीक है, जितना मुझे याद पड़ रहा है। और सहाबी ने जाके सिर्फ 15 दिनों तक उस पर सूरह फातिहा का दम किया था। तो इलाज मेडिकल नहीं हो रहा, लेकिन बीमारी उसकी मेडिकल थी, और टर्न्स आउट कि वो बंदा ठीक हो जाता है। व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? बिल्कुल। देखें ना, रूह के साथ भी ताल्लुक है, जिन्नात का इफेक्ट भी हो सकता है, शयातीन का, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने सारे एंगल से देखना। और अल्लाह ताला ने शिफा करार दिया कुरान मजीद को, और सूरह फातिहा तो कहलाती सूरह शिफा। तो मेरे तो ख्याल में कि स्किज़ोफ्रेनिया कंफर्म जिन पोजीशन, ये मेरी राय है, एनीवन कैन डिसएग्री विद टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, या हर, मेरे तो ख्याल में हर, क्योंकि हेलुसिनेशंस, जिन्नात शैतान जो है ना हेलुसिनेशंस कराते हैं। फिरौन के जो जादूगर थे वो हेलुसिनेशंस कराते, आंखों पे जादू करते, स्पेशली एनी एलिमेंट जिसके बारे में साइंस कुछ फाइंडिंग ना कर पाए, यू नो, साइंस की डिस्कवरी कुछ ना हो, एंड इट्स ट्रू अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, दे आर स्टिल नॉट श्योर कि क्या हो रहा है। मोलिकुलर लेवल पे वो देख सकते हैं कि वो इम्बैलेंस हो रहा है डोपामिन और सेरोटोनिन का, लेकिन दे स्टिल डोंट नो, दे आरंट श्योर किस वजह से स्किज़ोफ्रेनिया। तो डेफिनेटली रुकिया इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लेकिन अलोंग विद रुकिया आप टेस्ट भी कराएं अपने कि कितना डैमेज हो चुका है, क्या मसला क्या चल रहा है। डायग्नोज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का तवक्कल बहुत ज्यादा, ईमान बहुत ज्यादा है और वो रुकिया की तरफ ही जा रहा है, तो ये एक अलग लेवल ऑफ तवक्कल है। तो ये अपना ना तवक्कल की बात है। टर्न्स आउट कि इफ यू हैव अ लॉट ऑफ तवक्कुल, ठीक है, आप बहुत नेक और मुत्तकी इंसान हैं, तो जो बड़ी से बड़ी डिजीज भी है वो आप रुकिया करके अल्लाह के फजल और करम से उसको क्योर कर सकते हैं, यू नो। असल में तो कुरान में तो हर चीज की शिफा है, हर चीज का मतलब हर चीज है, इवन स्नेक बाइट है, स्कॉर्पियन बाइट है। वो जो शख्स एक कबीले के सरदार साहबा गुजरे, उन्होंने कहा हमारी हेल्प करो कुछ, तो जाओ जाओ तुम्हारी हेल्प नहीं करते हम, वो चले गए। तो उसी के कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, और जब लोग इनके पास आए और कहा कि आपने से कोई राखी है, तो उन्होंने कहा अब हम चार्ज करेंगे, तुमने हमें हेल्प नहीं किया था ना। गए 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के दम की, और वो ठीक हो गया। अब देखिए ना, इलनेस फिजिकल है, फिजिकल मेडिकल इलनेस है, और इलाज कहाँ से हो रहा है? रूहानी इलाज हो रहा है, यानी कुरान से इलाज हो रहा है। तो अल्लाह के पास गया कि या रसूलल्लाह, ये हमें भेड़ बकरी मिली, हलाल है? उन्होंने कहा बिल्कुल हलाल है, बल्कि मेरा भी इसमें हिस्सा रखो, ठीक है, सही है, नरेशन है। तो बात यह है कि इवन हमारे जानने वाले हैं, उनको कैंसर था, ठीक है, और कहते थे जब उनको डायग्नोज नहीं हुआ था, कहते मुझे अजीब सी बू आती थी, और मे बी इट वाज अ ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो कहते हैं कि जब मैं कुरान पढ़ता था मैं ठीक हो जाता था, फिर दोबारा से वो कुछ टाइम बाद आती थी वो, ठीक है। तो कुरान कहते ये कैसे होगा? फिर शुरू में समझा कि मुझे जिन नहीं है, तो ने कहा कुरान तो सिर्फ जिनात की शिफा नहीं है, ट्यूमर्स हों, मुख्तलिफ चीज़ें हों, और आप टेस्ट करें कि डिफरेंट हॉस्पिटल में सूरह रहमान को कुरान की डिफरेंट उनको प्ले किया गया, एंड दे गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स, सुभानअल्लाह। सो हम देखते हैं कि कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो रुकिया है, इवन कुरान ना भी हो, हादी दुआ में शेख आप उर्दू की दुआ मांग रहे हैं, उसमें शिफा है। आपको फिजिकल डिजीज है, कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकली इल थे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, उर्दू के पश्तो के अल्फाज बोले और वो ठीक हो गए, बिल्कुल। सो नेवर एवर टेक अल्लाह सुब्हान व तआला आउट ऑफ द इक्वेशन एंड थिंक कि साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज है। एक मुसलमान सबसे पहले अल्लाह के पास जाता है, बिल्कुल। पैराडॉल खाने से पहले भी ना अल्लाह से कहता है अल्लाह शिफा तूने देनी है, ये तो मैं एज एसबाब इस्तेमाल करूँ। और मुसलमान सिर्फ दुआ पे रिलाई नहीं करता, बल्कि उसको पूरे करने के लिए असबाब भी इख्तियार करता है। It all comes to the अकीदा। मैं पढ़ रहा था कि मुसलमानों को ना ये किसी ने डर दिलाया जब मदीना हिजरत की कि यू आर कर्स्ड, तुम्हें कोई औलाद नहीं होगी। तो सबसे पहले जो औलाद हुई थी हजरत आसमा बिनते अबी बकर को 3 months आफ्टर हिजरा। अल्लाह। तो वो मुसलमानों ने जश्न मनाया था, प्रूव किया था कि तुम जो मर्जी कहते फिरो करते फिरो। असल में सुपरस्टिशंस भी बहुत बड़ा मसला है हमारे साथ, बंदिश हो गई, ये हो गया, खौफ लोगों के बारे में, खौफ, वो खून के चीटे गिर गए, ये हो गया वो हो गया, ये डाउट्स ही शैतान की तरफ से होते हैं। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, पेरेंट्स को मैसेज है, प्लीज अपने बच्चों के मसले समझें, क्योंकि ये बच्चे, इनका साइकोलॉजिकल मेकअप आपसे बहुत मुख्तलिफ है, बिल्कुल। इनका पूरा बायोकेमिकल स्ट्रक्चर आपसे बहुत मुख्तलिफ है। कई बच्चे मैंने देखे हैं डिप्रेशन में पेरेंट्स की वजह से जा रहे हैं। मैं अब इसका ये मतलब नहीं बच्चे अपने पेरेंट्स को कंडेम करने लग जाए, ये मेरा क्लिप काट के कि ये देखो इन्होंने, लेकिन ये सच है कि पेरेंट्स कभी कभी इतना कंडेम्ड फील कराते हैं बच्चों को, इतना। मेरे पास यूथ आती, कहते हैं कि मैं आई एम कंडेम्ड टू हेल। क्यों? सिगरेट पीता है, मूवीज देखता है, और स्ट्रिक्ट रिलीजियस पेरेंट्स। यार मूवी देखना, सिगरेट पीने से बंदा कंडेम्ड तो नहीं हो गया ना? या वो गर्लफ्रेंड को बना लेते हो, रिलेशन हो जाता है, आप उसे इतना कोसते हो, इतना कंडेम्ड फील कराते हो कि वो इस्लाम से ही चला जाता है कि मैं तो कंडेम्ड हो चुका हूँ, आई एम गोइंग टू हेल। और एंग्जाइटी होती है उससे, ये बड़ी मैंने यूथ देखी है। पेरेंट्स को प्रेशर है। आप क्या समझते हैं अप्रोच फिर क्या होनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स की, अगर बच्चा ऐसी चीजों में है, इंस्टेड ऑफ टॉक इट आउट, उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें, उसके साथ डिस्कशन करें, और डिस्कशन करना चाहता है उसको रिलैक्स फील कराएं कि बेटा मैं स्लिप हो जाता था आपकी एज में, लेकिन इट्स नॉट गुड टू कीप ऑन स्लिपिंग। इस तरह की डिस्कशन करें बजाय कि उसे इतना प्रेशर डालने का, इतना प्रेशर और झाड़ने के। तो ये बड़ा सख्ती ना करें, सख्ती है ना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हालांकि अपने साथ वहदानियत में बड़े गयूर हैं, बिल्कुल अल्लाह किसी को अलग बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का जालिम ही फिरौन कहता है ना रब्बुकुमुल आला, ठीक है, और बार बार कहता है, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हैं और कहते हैं फ़क़ूलू लहू क़ौलन लय्यिना, आप उससे बड़े नरमी से बात कीजिएगा। यार फिरौन है देखो जरा, तो लेकिन लय्यिन क्यों? क्योंकि लअल्लहू यतज़क्का व यख्शा, शायद बात समझ जाए या शायद अल्लाह से डरने वाला बन जाए। तो जब फिरौन के पास मूसा जा रहे हैं और उन्हें प्यार से बात करनी है, तो आपके बेटे फिरौन से तो बुरे तो नहीं है ना, इन्हें तो नहीं शिर्क किया ना। जैसे आपने बताया कि वो एक सिस्टर को हरासमेंट हुई यूनिवर्सिटी में, तो उनके फादर ने बड़ा उनको मतलब सख्त बयान दिया और जो वो बिल्कुल एक केस था कि सिस्टर के लोग कहते हैं सिर्फ मदरसों में हैरेसमेंट होती है, जितनी हैरेसमेंट इंस्टीट्यूट्स में होती है ना, हमें पता है, ठीक है, केसेस हमारे पास आते हैं, बिल्कुल। तो सिस्टर प्रोफेसर था वो, यार वो कंसेंट के साथ होती है ना, वो डिबेटेबल है देख बगैर कंसेंट से, लेकिन वो कंसेंट भी नहीं था ना। अच्छा, उनको हैरेसमेंट की प्रोफेसर ने, और क्या हुआ कि कुछ ऐसा करता रहा, ब्लैकमेल करता रहा कि तुमने बताया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा यूनिवर्सिटी से, फेल कर दूंगा, एफ दे दूंगा, ये वो। आखिरकार उन्होंने हिम्मत पकड़ी, अल्लाह से दुआ की, उन्होंने वाले साहब से बात की, वाले साहब से बात की, तो वाले साहब ने कहा, हालांकि ये मॉडर्स्ट सिस्टर, ठीक है, ये नहीं कि उन्होंने कहा ये तुम्हारी अपनी हरकतें ही है ना जिसकी वजह से तुम ये कर रही हो, अपने ड्रेस के बारे में कुछ कहा। तो वो ना इतना ज्यादा कि मेरा बाप मेरा सहारा नहीं रहा, तो इट ब्रोक कंप्लीटली। और उन्होंने क्या किया, वो फिर घर से निकल गई। अच्छा, और अल्लाह पे यानी वलियाज़ बिल्लाह ईमान छोड़ दिया, ठीक है, और दीन को छोड़ दिया, और फिर डिफरेंट जगहों पे चली गई, और वापस आती थी घर कभी कभी, लेकिन छोड़ दिया। और वो एक शक अजीब सा ना, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया। पेरेंट्स कहते बेटा मेरी जान मेरे पास है, तो ये मैं कोई नहीं है ना तेरे, मैं प्रोटेक्ट करूँ, मैं तो संभालता हूँ, मैं ऐसी की तैसी। इससे तो वो धोखे में अच्छी थी, है ना, सही बात है। तो ये चीज़ ना लोगों को बिल्कुल दीन से दूर कर देती है। आप चाहते थे कि आपको उसकी इस्लाह कर दें, आपने इसको दीन से ही मुतनाफिर कर दिया। अच्छा, एक पेरेंटिंग मिस्टेक और, क्योंकि इट कम्स टू द पेरेंटिंग एज वेल, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना, इसकी रूट कॉज पेरेंटिंग भी है, इसकी रूट कॉज हमारे माशरे का रिग्रेसिव होना भी है, इसकी रूट कॉज जो है वो हमारा लाइफस्टाइल भी है, लेकिन मूवी और ड्रामे भी। यस, डेफिनेटली। पेरेंटिंग में एक और मिस्टेक ये है कि जब आप अपने बच्चे को इतना चढ़ा दें आसमान पे, इतनी तारीफें कर दें कि जब उसको क्रिटिसिज्म आए तो डिप्रेशन में चला जाए, कि ये क्या। इन लॉज का भी क्रिटिसाइज कर दें, वो भी माँ बाप है, तो इतनी डिप्रेशन में चले जाना कि ये क्या हो गया, मतलब मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो ये माँ बाप को पेरेंटिंग की बड़ी मिस्टेक है। असल में वही रिसर्च कहती है ना कि जो शख्स जिसपे 14 साल तक उसने ज्यादा नो नहीं सुने ना माँ बाप से, ही इज एन इमोशनली वीक किड। रिसर्च है प्रॉपर कि जिस बच्चे ने 14 साल तक ज्यादा नो और रिजेक्शन और रिफ्यूजल्स माँ बाप से नहीं सुने ना, यानी बाबा मैं ले लूं, नहीं बेटा आज तो आपने लेने नहीं है, आपको मैंने पिछले वीक टॉय ले दिया था, नो टॉय दिस वीक, नो टॉय दिस मंथ, बाबा जंक फूड नहीं, तो मुख्तलिफ चीजों में बिल्कुल लाड नहीं देना हमने, डिसिप्लिन करना, लेकिन लाड नहीं देना हमने, और कन्वर्सेशन करें कि बेटा आई लव यू, बिल्कुल मैं आपको प्यार करता हूँ, लेकिन ये चीज नहीं है। तो वो जो रिजेक्शन हम कहते हैं मैंने तो इतना पाल पोस के बड़ा किया, ख्याल रखा कि आज तक इसे ना ही नहीं किया, इसके जबान पे जो फरमाइश आती थी हमने इसे अता की है। फिर तो जब उसकी फरमाइश आती थी ना, और जब जॉब के लिए गया उसे रिजेक्शन मिली, और जब रिफ्यूजल्स मिली, मुआशरे ने थप्पड़ मारी मुआशरे ने, तो फिर उसको समझ नहीं है कि भाई मेरे से क्या हो गया, हालांकि मुझे तो हर चीज अता हुई जो मैंने चाही। तो अपने बच्चों के साथ वो ना करें। अच्छा, हमने ये चीजें तो डिस्कस कर ली मेरे काफी डिटेल में, मैं चाह रहा हूं कि क्विकली ना वो जॉट डाउन कर लें हम वो सॉल्यूशंस को, ताकि सबको पता चल जाए कि ये चीजें हैं, अगर हम इन्वॉल्व कर लें अपने आप को तो हम अच्छे तरीके से कोप कर सकते हैं सिचुएशंस के साथ। मेरे नजदीक सॉल्यूशन में सबसे पहले डाइट है। लुक एट योर डाइट, तैयब रिस्क खाएं। इट हैज बीन प्रूवन बाय रिसर्च के बहुत सी डाइट डोप के सेंटर्स को डायलेट करती है, और जिसकी वजह से जाहिर है कि बहुत सी ये मेंटल हेल्थ डिजीजेज जो है वो जन्म लेती हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो रूटीन है। अगर आप नाइट आउल बन चुके हैं और यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, तो वो सब आपके सबकॉन्शियस में एज अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं जबरदस्त हूँ, चीता लगाऊं, मैं सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक टाइम पे वो कहते हैं ना पूल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, वो फट जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा और फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। अपनी रूटीन को देखें, जिस तरह अल्लाह ने आपको बनाया उस रूटीन पे उस बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सेट करें। क्विकली मैं मतलब बता रहा हूँ, मेरे नजदीक हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, सकीनत को समझें। सकीना क्या होती है? अल्लाह ताला, मेरे नजदीक हैप्पीनेस सकीना है। जंगे बदर का मौका, अल्लाह ताला कहते हैं हमने सकीनत नाजिल की। जंग के मौके पे कौन सी हैप्पीनेस नाजिल होती है कि दुश्मन सामने खड़ा है, लेकिन उस सकीनत, सुकून और एक ट्रैंक्विलिटी की स्टेट है कि यार वो नाजिल होती है। और चौथी चीज माइंडफुलनेस, फोकस्ड नहीं है हमारी, मतलब कि बेचैनी बहुत ज्यादा है, रिजेक्शन नहीं ले सकते, ख्यालात बहुत चल रहे हैं माइंड में, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, पैनिक होते हैं, वीक पर्सनैलिटी इस तरह है कि इतनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि यार अल्लाह ने क्या तुम्हें बनाया और कैसी बातें कर रहे हो अपने बारे में। तो ये बहुत जरूरी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, कॉन्शियस रहो, फोकस्ड रहो, इधर उधर मत जो है वो सोचो इधर उधर कि ये तो जनरल है, लेकिन जो वो है बायोलॉजिकल जो रीजंस हैं जैसे जेनेटिक मेकअप या ऐसे डिप्रेशन आ गई या क्लिनिकल हद तक चली गई है, उसके फिर बेहतर जाहिर है कि दवाई वगैरह डॉक्टर से। मैं समझता हूँ वर्ल्ड व्यू जो है ना चेंज करने की बहुत जरूरत है लोगों को, सही अपना वर्ल्ड व्यू सेट करने की जरूरत है, लाइफ के फलसफे को समझने की जरूरत है। जबरदस्त अल्लाह ताला लाइफ के बारे में क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लाइफ को पैदा ही इसलिए किया है कि वो टेस्ट करे कि तुम में से बेहतरीन अमाल कौन करता है। तो अगर हम ये समझ लेंगे कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स तो हम सब लोगों की लाइफ में आने ही आने, बात यह कि हमने कोप कैसे करना है। ठीक है, तो कोप करने का जो तरीका अल्लाह ताला ने बता दिया है वो यही है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया जाए। मैं ये समझता हूँ थ्रू नॉलेज ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, नॉलेज ऑफ दीन और तकदीर का कांसेप्ट। बिल्कुल, जब आपको पता होता है ना कि आपके पीछे अल्लाह ताला है, आप जितना मर्जी बड़े ग्रीफ से गुजर जाए इवेंचुअली आप हील कर लेते। ठीक है, अल्लाह ताला की मदद से अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि आप अगर अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला बना देगा रास्ता, वहां से बना देगा जहां दरवाजा नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला बनाने वाला है। और जस्ट टू ऐड, सॉरी कि एक आयत याद आ गई सूरह इब्राहिम की वर्स 23-24, अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन इसलुहा साबितुन व फरुहा फिस समा। कलिमा तय्यबा की मिसाल एक दरख्त की सी है, तय्यब दरख्त जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, शाखें आसमानों को छू रही हैं, गिविंग इट्स फ्रूट एट ऑल टाइम। तो मुफस्सिरीन कहते हैं मोमिन की मिसाल जिसने कलमा कि गम के मौसम आएंगे तो दरख्त देखें, एक दरख्त है बहुत स्ट्रॉन्ग, तूफान आता है, लाइटनिंग आती है, मैक्सिमम क्या होता है उसके फल गिर जाते हैं, टहनियां टूट जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, अपनी जगह से उखड़ता। एंकर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारा जो एंकर है ना वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए ना तो जैसे मर्जी हालात आ जाए, हाँ पत्ते गिर जाएंगे, शाखें टूट जाएंगी, लेकिन जो वो स्टेम है ना मेन, वो अपनी जगह पर। और वो नॉलेज क्यों, इसे दलील क्या है वही देखिए ना, हजरत याकूब कहते हैं ना, इन्नी अशकू बस्ती कि मैं अल्लाह की तरफ से बहुत जानता हूँ जो तुम लोग नहीं जानते हो, यानी मेरे पास नॉलेज है। द रीज़न याकूब अलैहिस्सलाम डिडंट गो टू अ डिप्रेशन जिसमें बिल्कुल होपलेसनेस हो, हालांकि साल गुजर गए और बच्चे नहीं मिले और दूरी है, वो नॉलेज था कि जब अल्लाह का नॉलेज हो ना कि अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाया नहीं करेंगे। और ना उम्मीद तो वही होता है, खुद कहते हैं इल्लिल कौमिल काफिरीन, जो काफिर हैं। सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम तो अंबिया नहीं है लेकिन हमारे पास जो शरीयत का इल्म आया है ना उसका नॉलेज होना, और वो हमें बताता है कि यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द हेयर आफ्टर, नो वरिंग अबाउट वट यू कैन कंट्रोल एंड डोंट वरी अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। एग्जैक्टली, मतलब आप अगर ऐसी चीज़ों पे वरी कर रहे हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में था ही नहीं, तो उसके फायदा क्या? आप उस चीज पे वरी करें जिसका कंट्रोल आपके हाथ में है, चलो उसके लिए मेहनत करें। मैं आपको मजे की बात हूँ, साइकोलॉजी में 4 थेरेपी सबसे ज्यादा यूज होती है, वैसे तो बहुत है लेकिन मोस्ट कॉमन 4 है, REBT रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। सही, चारों को ऑब्जर्व करें। क्विकली बताता हूँ, REBT में क्या होता है कि आप जो है ना उस बंदे के जब ट्रिगर आता है ना तो उसे ये सिखाते हैं कि ट्रिगर से रिएक्ट कैसे करना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन। रिएक्शन से कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, तो आप उसको अच्छी सोच सिखाते हैं कि रिएक्शन कैसे देना। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में होता है कि आप उसके हर नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हैं और पॉजिटिव थॉट देते हैं। जैसे क्योंकि आई शैल नेवर बी लव्ड अगेन, आप उसे कहेंगे यू शैल ऑलवेज बी लव्ड अगेन। वो कहेगा नो वन लव्स मी, आप कहेंगे योर पेरेंट्स लव यू, ये लव्स यू वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर तीसरा गेस्टाल्ट थेरेपी में क्या होता है कि आप जो बंदा है उसको ये कहते हैं कि यार ठीक है प्रॉब्लम आया, लेकिन क्यों आया, आप उसको क्यों में घुसा देते हैं और आप उसे कहते हैं कि कहीं तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई फॉल्ट है। अच्छा, फिर चौथा एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, आप उसकी प्रॉब्लम्स को, ये अभी मैं इस तरह आ रहा हूँ, ये सब इस्लाम है। और चौथा जो है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में यू गिव मीनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स, आप उसे कहते हैं कि किस लिए आया है ये समझो, क्योंकि ग्रो करने आया है तुम्हें, क्या बात है, या कोई गुनाह बख्शवाने आया है तुम्हारे, या अल्लाह ने तुमसे कोई काम लेना है, आप उसे मीनिंग और पर्पस दे देते हैं। ये चारों चीजें सामने रखें और इस्लामी फिलॉसफी ऑफ लाइफ सामने रखें। कुरान की आयत मेरे ज़हन में आ रही है, ये कोई आप रिलीजियस उसकी अप्रोचेस नहीं बता रहे, जी जी, साइंटिफिक अप्रोचेस, लेकिन हर चीज के तुम्हें पलटने के लिए आई है कि हम तुम्हें मुसीबत देते हैं, हत्ता कि कांटा भी चुभता है तुम्हारे गुनाह माफ होंगे। और सुभान अल्लाह, आयाज अफरा आयाज। और मैं तो समझता हूँ कि जिसको दीन समझ आ गया है ना, हाँ ये मेडिकल इलनेसेस होती हैं, वो अपना इलाज करें, कि दीन जिसको, सिर्फ दीन आपको उससे निकालेगा नहीं बल्कि उनमें जाने से ही बचा लेगा। इट्स अ ग्रेट प्रिकॉशनरी मेजर कि आपको डिप्रेशन पे जाने से बचा ले। बिल्कुल। अच्छा, फिर हम लोग जैसे आपने बात की, अगर ये जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, व्हाट आर योर वैल्यूज, आपकी वैल्यूज क्या है यार जी। आप वैसे टॉम डिकन हैरी, आपने खाना पीना खाना है, आपने घर बनाना, गाड़ी लेनी, ये आपकी वैल्यूज है, तो फिर तो आई एम सॉरी। आप ये इमेजिन करें कि आप 100 साल के हो गए हैं, आपकी 100th बर्थडे है, हम सेलिब्रेटिंग करते हैं लेकिन चले, आपके पास आपके दोस्त बैठे हुए हैं, गेट टुगेदर है, और आप अपने बिस्तर पे हैं, यू आर अबाउट टू डाई, वो आपके बारे में आपकी लेगेसी बता रहे हैं। वो बताते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यूज थी, आप क्या सुनना चाहते हैं उनके मुंह से, कि इसने बस घर बना लिया, या इसने पैसे कमा लिए, या ये करके आ गया। आप उस टाइम जो सुनना चाहते हैं ना, अपनी लाइफ को आज से उस तरह गुजारना शुरू कर दें। अगर आप सुनना चाहते हैं कि इसने दीन का बड़ा काम किया, इसने अजर बड़े इकट्ठे किए, इसने लोगों की बड़ी खिदमत की, तो आज से वो काम करें, मतलब यानी। और आपकी सबसे बेहतरीन वैल्यू क्या है, फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो सबसे कामयाब। ये विजन है ना असल में, ये विजन एब्सेंट है क्योंकि हमारा वर्ल्ड व्यू ठीक नहीं। बिल्कुल। अच्छा, और गम की दुआएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, दुआ मुस्लिम ऐप डाउनलोड करें, इसमें गम की दुआ, एंजाइटी की दुआ, रेस्टलेसनेस की दुआ, फियर इन स्लीप की दुआ, ख्वाब नाइटमेयर को झटकना कैसे, उसकी दुआएं। तो ये अगला सोल्यूशन है दुआ, क्योंकि दुआओं की तरफ भी हम नहीं आते, हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि वो हमारी सिर्फ दुआ का वेट होता है। दुआ करता है इंसान। ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक नासुयती बियदिक, मेरा जो फोरलॉक है ना, माथा तेरे हाथों में है, माज़िन फ़िया हुक्मुक, मेरे बारे में जो तेरा फैसला है वो तो हो के रहेगा। अच्छा, वो तो हो के रहेगा यार, वो तो हो सकता है कि गलत भी हो। अदलुन फ़िया क़ज़ाउक, अदल से भरा हुआ है तेरा फैसला, यानी जो तेरा फैसला होगा इट इज प्योर जस्टिस, यानी मुझे मालूम है ना। असअलू का बिकुल इसमें हुआ लक, मैं तमाम नामों से सवाल करता हूँ जो तेरे नाम है, जो तूने सिखाए, जो तूने अपने पास किताबों में रखे, जो तूने किसी को नहीं बताए। अंता जल कुरान रबी कल्बी, कुरान को मेरे दिल का ना स्प्रिंग बना दे, फाउंटेन बना दे। अच्छा, सोल्यूशन क्या मांग रहे हैं? सोल्यूशन होना कि यार या अल्लाह मेरा डिप्रेशन खत्म कर दे, मेरा जो ये फोत हो गया है, जो बंदा इसका दुख मेरे दिल से खत्म कर दे। सोल्यूशन में ये नहीं मांगा, सोल्यूशन में ये मांगा कि मेरा कुरान जो है ना वो मेरे दिल का घर बना दे। क्योंकि कभी कभी ना आपको कुछ चीज निकाली नहीं होती, कुछ अच्छी चीज डाल देनी होती है। सही बात है। ये बड़ी वी स्पेंड सो मच एनर्जी इन फाइटिंग नेगेटिव थॉट्स rather than spending it on positivity. Stop fighting negative thoughts and do something positive, तो खुद ही निकल जाएंगे भाई। अल्लाह ताला तो try out reading Quran loud when you are depressed। ये जो है ना कि व नूर सदरी, मेरे दिल की ठंडे बातें, व जला हुजनी व ज़हाब हम्मी व गमी, क्या बात है, मेरे गमों को दुखों को ले जाने वाला बना दे, क्या चीज, कुरान। यानी make it interesting for me, और मेरी मदद करें कि मैं इससे ज्यादा टाइम गुजारूं, ताकि मेरा अपना लाइफ विजन क्लियर हो, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर हो। और जब वो सेट हुआ ना, मेरा एक्सियम और मेरा जो बेस है सेट हो गई, सब निकल जाएगा। दुआ का फलसफा समझे और दुआ का अक्सर समझे। मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि मैंने बड़ी दुआ की, किसी से शादी नहीं हो रही तो मेरी दुआएं नहीं कबूल होती। तो मैंने कहा ये दुआ की वजह से अल्लाह को पा लिया आपने, रिलेशन बन गया अल्लाह से, यानी रोजाना करती है ना आप दुआ, तो ये तो बन गया। तो मैंने कहा बस दुआ कबूल होगी। क्या दुआ कबूल होना ये कि रिश्ता हो जाएगा। सलफ तो यही कोशिश करते थे। मैंने इब्ने तैमिया कोट पढ़ा, सलफ कहते थे हमारी दुआएं ना कबूल हो। बहुत अजीब फलसफा, जान के क्यों लुत्फ आ गया था दुआ करने। यार चीज मिल जाएगी तो कैसे फिर दुआ रुक जाएगी। देखिए बहुत बड़ा आगे का है। अच्छा एक आखिरी चीज कि तहज्जुद, कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने सेंटेंस बोला कि अली भाई ऑल इट रिक्वायर्ड वाज वन तहज्जुद, जो कि मुझसे नहीं पढ़ी जाती। एक तहज्जुद की मार थी ये सारी मेरी गेम और मेरी प्रॉब्लम। तो ये बहुत पावरफुल सेंटेंस है, ये करके देखें। तो एक मोमिन जो है ना वो कभी भी, यार मैं समझता हूँ, वैसे मेरा इतनी सोच है कि ठीक है प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो अल्टीमेट डिप्रेशन में नहीं जा सकता। मैं मेडिकल उसकी बात नहीं कर रहा, टोटली एग्री कर, कभी भी उस चीज में नहीं जा सकता जिसके पास इतने जबरदस्त वही में से चीजें हों, इनामात हों, ब्लेसिंग्स हों, खुशखबरियाँ हों। वो कैसे डिप्रेशन में जा सकते हैं? you know, it's not possible। अफगानी लोगों की मिसाल हमारे सामने, हाँ। पॉवर्टी आ गई, जो मर्जी आ गया, वो ग्रो पे ग्रो किए जा रहे हैं आज आपके सामने। तो बात ये कि इसका जो क्रक्स है इसको समेटते हुए ये करते हैं कि देखें, जो आपको क्रक्स बताया ना कि डिप्रेशन एक डिजीज है, मेडिकल इलनेस है, इसका इलाज करवाएं। लेकिन वो डिप्रेशन जो कि एनवायरमेंटल है और आपको हो गया है, जिसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली समटाइम्स केमिकल इम्बैलेंस पहले होता है, बाद में डिप्रेशन होता है। कभी पहले आपको कोई ट्रॉमा हुआ, फिर इम्बैलेंस हो गया। आपने डाइट ठीक रखें, अपनी रूटीन ठीक बनाएं, वो जो 3 घंटे सोने से पहले खा लें, सुबह नाश्ता अच्छा करें। अपनी जो लाइफ है ना उसको काइंडली फेक ना करें, रियल लोगों के साथ गुजारें। स्पेंड टाइम विद पीपल हु मैटर, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, जो आके उन लोगों के साथ टाइम गुजारें जो कि आपके पहली सफ में खड़े होके आपके जनाजा पढ़े होंगे। बिल्कुल सही, जो वैल्यूएबल लोग हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये फेक कांटेक्ट है ना, हमें बहुत डिप्रेशन में डाल दिया है। स्लीप पैटर्न ठीक करें, क्योंकि आपका जो कार्केडियम रिदम है आपका बॉडी क्लॉक जो है वो डिजाइन ही ऐसी है कि आप सुबह उठें, शाम में जब आपका मेलाटोनिन रिलीज करिए, बॉडी के भी सोने लगा, बंदा फोन पे ऑन हो जाता है और इससे आपका केमिकल इंबैलेंस भी होने शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज है कि डोपामिन का जो एक रश है उसको थोड़ा सा लिमिट करें। जब भी कोई चीज चाह रही है उसको ना करें, क्योंकि जो ये जो डेफिनेटली बात है ना शिज़ोफ्रेनिया में, इट हैपेंस समटाइम्स बिकॉज ऑफ डोपामिन रश एक्स्ट्रा हो जाने में। तो व्हेन यू गेट एडिक्टेड टू डोपामिन और आप हर बार लेने शुरू होते हैं, तो इट कैन टेक यू टू अ सर्टेन लेवल ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, एक सॉरी रिसर्च कोट कर दूं कि एक रिसर्च है कि एंटरटेनमेंट विदाउट एनी स्ट्रगल वो नुकसानदेह, और एंटरटेनमेंट आफ्टर अ स्ट्रगल वो फायदेमंद है। मिसाल के तौर पे हम एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, मैं अपने बचपन की बात करूं, हमें पेरेंट्स एक टास्क देते थे, मेहनत करो, असाइनमेंट करो, होमवर्क करो, आप एंटरटेन। आज की यूथ बगैर कुछ किए हर वक्त एंटरटेनमेंट है, वो भी डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। हालांकि अल्लाह रहमान रहीम है, फिर भी जन्नत मेहनत की वजह से कह रहा है मेहनत तो करो ना, कुछ तो करो। तो माँ बाप अब इतने अल्लाह से रहमान ज्यादा तो नहीं है ना, कम अज कम उनको दें इतना, जब उनकी मेहनत करें वो रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम रखें। और साथ साथ जो इस्लामिक हमें प्रिंसिपल्स बताए कि अल्लाह से ताल्लुक, कुरान को पढ़ें, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में समझें, नमाज के पास बार बार जाएं, तहज्जुद की नमाज स्पेशली आफ्टर फराइज, वस्ताइनु बिसब्री वस्सलाह। कुरान का जो एक एक वर्ड है ना वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। अगर कहते हैं सीक असिस्टेंस, हेल्प बिसब्री वस्सलाह, विद पेशेंस एंड प्रेयर। क्या बात, इन्नहा लकबीरतुन इल्लल खाशिईन। ये बहुत मुश्किल चीज है, बहुत बड़ी चीज है, एक्सेप्ट कि इनके लिए जो खुशू रखने वाले हैं, यानी जिनके पास गॉड कॉन्शियसनेस है। तो नमाज के थ्रू हेल्प लें, दुआ करें अल्लाह के साथ कसरत से। मैंने जब भी क्योंकि दौरे जाहलियत में और उसके बाद आने के बाद कुछ हालात की वजह से मैं कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में गया, और जब गया तो दुआ वॉज द ओनली सोल्यूशन। एंड द रीजन आई केम आउट ऑफ डिप्रेशन वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड दुआ। कि यार अब ये जो दुआ है ना, ये लास्ट दुआ मैं कह रहा हूँ, यानी लास्ट मीन्स कि इस पर मैं जब उठूंगा ना मैं, तो आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी आउट ऑफ इट। और सुभानअल्लाह, लाइफ चेंज्ड आफ्टर इट। बिकॉज आप देखते हैं ना, कोई भी मूवी होती है, उसका ट्रांजिशन जो होता है किसी बड़े इंसिडेंट पे होता है। आपकी लाइफ की जो ट्रांजिशन है ना वो बड़ी दुआ की वजह से है। आप मूसा अलैहिस्सलाम को देख लें, फिरौन से आए हैं, बैठे हैं, आपकी उनकी लाइफ का ट्रांजिशन, एक फेज खत्म हो, दूसरे फेज में एंटर होने वाले हैं। या रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, तो जो भी खैर दे मैं उसका फ़कीर हूँ। और देखिए कैसा ट्रांजिशन आया, और एक घर वाले मिल गए और शादी भी हो गई और नबूवत की तरफ जाना शुरू कर दिया। सो दुआ इज़ अ ट्रांजिशन, मेक दुआ योर प्रायोरिटी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला से सीख हेल्प, लोगों से मदद करें, काउंसलर्स के पास आएँ इंशाल्लाह, अपने आप को अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। गेट योरसेल्फ गोइंग, मूव योर बॉडी, मेक इट अ हैबिट टू बी एक्टिव। गाड़ी पार्क करें, थोड़ा दूर पार्क करें ताकि आपको चल के आना हो। लंच लेके आना है तो थोड़ा सा सीढ़ियाँ उतर के लंच लेके आए। चलने फिरने के अपने आप को आदी बनाएं, डोंट बी अ काउच पोटैटो इंशाअल्लाह। और आखिरी कुछ वर्ड्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो बेहतरीन है, वरना इंशाअल्लाह सेशन को एंड करें। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलना चाहिए। जो आपने ये मेजर्स लेने हैं ना अपने लाइफस्टाइल के हवाले से, इनको भी लेकर चलें, और साथ साथ जो आपका रिलेशनशिप है अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसको भी इम्प्रूव करना और अपने आप को नॉलेज के साथ जोड़ना। जैसे जो जो बातें आपने बताई हैं, दुआओं का बताया है, नमाज का बताया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि knowing what you are saying, हम असल में इस चीज़ से बहुत खाली हैं और इफेक्ट तभी नहीं मिल पाता हम लोगों को, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम किस अल्लाह के सामने खड़े हैं, हम क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं और उनके मतलब क्या हैं और इससे हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है, इसके फ्रूट्स क्या हैं। इन चीज़ों से हम खाली हैं, तो कम अज़ कम जो चीज़ हम कर रहे हैं सिंसियरली उसके मतलब का ज़रूर पता होना, ताकि हम उस चीज़ को इंटरनलाइज कर पाएँ। कुरान लेगेसी तो शेख तोआ का ताल्लुक दिल से ही है, दिल से। असहाबे काफ कोई अंबिया नहीं है, वो मुफस्सिर कुरान शेख और हदीस नहीं है, नहीं आम से लड़के हैं। दिल से दुआ निकली कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना राशिदा। अल्लाह क्लियर थे वो बड़े अपने स्टांस में, और अल्लाह से दिल से दुआ मांगी, अल्लाह ने कुरान बना दिया। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया है, वो भी पढ़ते हैं इसको। अल्लाह, जो दिल से निकलती है ना दुआ, वो रखती है। बात है कि आप दिल से मांगे इंशाल्लाह दुआ। मैं आपको सुन रहा था तो कैटेगरी अगर मैं बनाऊँ ना, मेन कैटेगरी दो मेरे जहन में आती है। एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव खुराक, पॉजिटिव रूटीन, पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड, और दूसरा अल्लाह से ताल्लुक। दैट्स इट। आप प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, इसमें इंशाल्लाह आप देखें ऐसे मसले हल होते हैं इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह की मैंने दुआएं सिखाई हैं वो पढ़ें। अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिका शैया, ये एक दुआ है जिसको ये डिप्रेशन में इंसान को पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। इस तरह की और भी दुआएं, ला इलाहा इल्लल्लाहु अलीमुल हलीम, इस तरह की मुख्तलिफ दुआएं हैं, ये आप पढ़ें। जैसे आई हैव ट्राइड दिस वन आउट, अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, ये तो सुभान अल्लाह। जब आपको लाइफ में कुछ समझ ना आ रहा हो, बेचैनी यार क्या हो रहा है, You know, leave everything and just keep reciting. इसको repeat पे लगा ले। This will do wonders. Stress और depression में फर्क करना। Stress आता है incomplete task की वजह से, तो stress is not depression. Stress को बस हल करें, अपने टास्क करना शुरू कर दें, आपका स्ट्रेस और बेचैनी खत्म हो जाएगी। ये भी बहुत गेट गोइंग, कीप गेट बिजी। जो लोग ज्यादा वेले होते हैं ना, वो डिप्रेशन में ज्यादा होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से आमतौर पे। और ये रूह को कभी नेगेट ना करें जी। प्लीज गोरों के ना अंधे ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने, ठीक है। जो हम ना सेल्फ हेल्प की बुक बहुत ज्यादा पढ़ के ना, यस उनमें अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन सिर्फ वही पढ़ना और उसके सारा अपनी लाइफ का वो डिफाइन करना, उनको रूह का पता ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें रूह का बताया कि तुम्हारी बॉडी की नीड्स है, तुम्हारी रूह भी है, उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स हैं और वो आसमान से आई हैं। और वो जो जैसे बॉडी की नीड्स अल्लाह ने जमीन से पूरी की है, मिट्टी की फॉर्म में, अल्लाह ने रूह की नीड्स आसमान से पूरी की है, हदीस की फॉर्म है और कुरान की फॉर्म है। वो इसका न्यूट्रिशन है। उसको आप प्यासा छोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो इसको लाजमी रजा के रखें इंशाल्लाह कसरत से। जैसे मैंने फरमाया ना कि जो मोमिन अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता वो जिंदा और मय्यत की तरह है। क्या बात है। जो डिप्रेस इंसान है वो बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है उसमें, कुछ काम करने दिल नहीं चाह रहा, वो मय्यत की तरह बन जाता है, बिकॉज अल्लाह का जिक्र नहीं है ना, वो जो रूह थी वो तड़प चुकी है। बिल्कुल। सो इंशाल्लाह बैलेंस इट आउट। मेरा सुब्हानअल्लाह मेक दिस सेशन वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। और बाय द वे, सॉरी मैं भूल रहा था, हमारा यू मैटर का डिपार्टमेंट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है। हम ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस पूरी दुनिया से लेते हैं माशाल्लाह। हमारे पास डिफरेंट पैनलिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं हमारे पास अवेलेबल। सिस्टर्स के लिए भी मुजम्मिल अगर आप काइंडली फॉर्म शो कर दें जो मैंने आपको भेजा था, सिस्टर्स के भी फॉर्म्स हैं, ब्रदर्स के भी फॉर्म्स हैं इंशाल्लाह, वो आप फिल करें। आपको हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 24 to 48 आवर्स के बीच में इंशाल्लाह कांटेक्ट करेगा और आपको कोई काउंसलर असाइन किया जाएगा इंशाल्लाह। सो ये डिपार्टमेंट है ही उन लोगों के लिए जिनको हेल्प चाहिए इंशाल्लाह। हमें कसरत से अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला हमें इखलास दे और इसी तरह से दीन में काम करने की तौफीक दे, बल्कि इसकी बेहतर तरीके से, और दीन पे जिंदा रखे और दीन पे मौत दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, मुबारक लफ़ीकुम। थैंक यू सो मच शेख अली फॉर कमिंग हियर। शेख अली आप तो माशाल्लाह हमारे बड़ी हैं। मुबारक लफ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।